बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। और एक बार जोर करके बोलो बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णम विष्णु पाद अष्टोत्तर सतश्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णम विष्णु पाद अष्टोत्तर सतश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। गतकल हम लोग श्रवण कर रहे थे कि जो चार दिवस यह जो ये कथा है हमारे श्री गुरु जी की शताब्दी मतलब उनकी 100 वर्ष पूर्ति हुई इसी को उपलक्ष्य करते हुए हम लोगों ने ये प्रोग्राम रखा है। रोज रोज कोशिश करेंगे गुरु जी की थोड़ी थोड़ी कथा सुनने के लिए और उसको साथ साथ में भागवत भी कथा सुनेंगे। कहते श्री चैतन्य महाप्रभु, कहते ये चैतन्य महाप्रभु कौन है बल्कि ये राधा कृष्ण दोनों मिल करके ये कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु। ये चैतन्य महाप्रभु अपना भक्तों को विशेष करके उन्होंने 4 आदेश दिया था और हमारे जो 6 गोस्वामी हुए जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ ये बड़े बड़े 6 गोस्वामी हुए हैं इन लोगों ने महाप्रभु को ये 4 उपदेश को पालन किया। लेकिन हमारे श्रील भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज भी ये 4 उपदेश को पूर्ण रूप में उन्होंने पालन किया। तो उन्होंने क्या पालन किया है? पहला उनको निर्देश था ठाकुर जी की जितने लुप्त तीर्थ है जब भगवान कृष्ण ये संसार छोड़कर चले गए धीरे 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 उनको जितने लीला स्थली वो धीरे 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 अंतर ध्यान हो रही थी। किसको पता नहीं चलता था कृष्ण कहाँ पर खड़े होकर गिरिराज उठाए, कृष्ण कहाँ पर उनने बंसुरी बजाई, कृष्ण कहाँ पर उनने पुतना को मारे, कहाँ पर उनने अघासुर को मारे, कृष्ण कहाँ पर उनने रास रचाया। धीरे 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 ये लीला स्थली धीरे धीरे लुप्त होते जा रहा था। इसलिए हमारे श्री भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज इन्होंने कृष्ण के बहुत सारे लीला स्थलियों को उन्होंने उधार किया है। जैसे जहाँ पर राधा कृष्ण की गंधर्व विवाह हुई, जहाँ पर राधा कृष्ण की शादी हुई थी, एक बड़ा सुंदर स्थान है जिसका नाम है भांडीरी भट्ट, जहाँ पर भगवान कृष्ण सखाओं को लेकर के गैया चराया करते थे। आप कभी वृंदावन आए हैं? कभी आप लोग कौन कौन वृंदावन आए हो? हाथ उठाओ। आए सबके सब। कभी और एक बार आएंगे तो आपको सब लीला स्थली हम ले जाएंगे, दर्शन कराएंगे। जहाँ पर कृष्ण गैया चराया करते थे अभी भी वहाँ पर बहुत बड़ा बड़ा वृक्ष है वहाँ पर, जहाँ पर कृष्ण सखाओं को लेकर बैठा करके घर से जो भोजन लाते थे वहीं पर बैठ करके भोजन करते थे और गैया को बछड़े को छोड़ देते थे और गैया बछड़ा सबके सब घास चरते थे। एक समय क्या हुआ, जो गैया थे वो हरी हरी घास को देख करके घास को खाते 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 घोर जंगल में प्रवेश कर गए। प्रवेश कर गए तो कंस सोच रहा था कब मौका मिले ये कृष्ण का हम मार डाले। इतने में कंस का जो चर थे उन्होंने एक मुंजा टबी होता है, यहाँ पर होता कि नहीं, बहुत बड़े बड़े वृक्ष है, अगर इसमें हाथी भी घुस जाए ना पता नहीं पड़ेगा। अभी सूख गया था, कंस का चरों ने सुजग पा करके उन्होंने चारी तरफ में आग लगा दी।
और देना आग लगते ही बड़े तेजी से हवा बहती है, मिनट में ही चारी तरफ में आग ही आग चारी तरफ। इतने में कृष्ण के सखा लोग भी गैया को ढूंढने के लिए वहां पर पहुंचे। अभी चारी तरफ तो आग लग गई, आग लग गई तो इतने में सखाओं ने कृष्ण को पुकारे, कन्हैया तुम कहाँ हो, अभी हमें बचाओ। इतने में कृष्ण वहां पर प्रकट हो गए, बोले कन्हैया देखो चारी तरफ में आग लग गई, कुछ व्यवस्था करो। कृष्ण बोले एक काम करो, तुम लोग सबके सब आंख बंद कर दो। जब सखाओं ने आंख बंद की, भगवान ने वहां पर दावा नलक उन्होंने ठाकुर ने पान किया, जहां पर अग्नि को उन्होंने पान किया है। जब सखाओं ने आग खुले देखा, वो जंगलों का अंदर में नहीं, आग को अंदर में नहीं, जहां पर विशाल बट वृक्ष, जहां पर कृष्ण सखाओं को लेकर के वहां पर भोजन कर रहे थे, देखा वहां पर बैठे, और गैया भी वहां पर बड़े आनंद से गैया भी घास खा रहे हैं। इसलिए ये एक सुंदर स्थान है। यहाँ पर उन जो शिक्षा की जो विषय है, ये हरी हरी घास किया है, बोले ये संसार है। जैसे गैया वो हरी हरी घास को खा खा करके अंदर में प्रवेश कर गए, कभी हम भी ये घोर संसार में धीरे 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 संसार का घोर संसार में भी हम कभी प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन इस संसार क्या है, संसार ये दावानल है। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई परिवार से दुखी, दुखी संसार में दुखी दुखी है। फिर क्या करनी चाहिए, बोले ठाकुर जी को स्मरण करो, भगवान को स्मरण करो। जब उन्होंने भगवान को उन्होंने स्मरण किया, स्मरण करके जब बोले आंख बंद कर दो, मतलब ठाकुर जी की चरण में शरणागत हो जा, फिर क्या होगा, ये संसार का जितने दुख कष्ट हमारी सब के सब समाप्त हो जाए। फिर तो हम देखेंगे ठाकुर जी की चरण में हमें उपस्थित हो गए। ये जो सुंदर एक स्थान था जहाँ पर राधा कृष्ण की विवाह हुई है, हमारे श्रील भक्तिवेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज ने वो लीला स्थलीय को उन्होंने प्रकाश किया, बड़े सुंदर वहां पर उन्होंने हैं वहां पर पत्थर लगा करके लीला स्थली को उन्होंने प्रकाश किया है। और जहां पर उद्धव क्यारी एक स्थान है, उद्धव क्यारी उसको कहते हैं जहां पर उद्धव जी को कृष्ण जब वृंदावन में भेजे, बोले जा करके ब्रजवासियों को तुम सांत्वना दो। जब उद्धव क्यारी पर पहुंचे, वहां पर कैसे श्रीमती राधा रानी एक कमल की सज्जा के ऊपर लेट हो गई, और गोपियां राधा रानी के शरीर में अगुर कर्पूर चंदन की लेप दे रहे थे। लेकिन राधा रानी कृष्ण विरह में उनके शरीर ऐसे तप रहा था मानो एक मिनट में सबके सब चूर चूर हो रहा था। जहां पर उद्धव जी राधा रानी की भाव को दर्शन करते हुए, जहां पर उनके चरण की एक धूल को उद्धव जैसे व्यक्ति प्रार्थना करते हैं, ये स्थान को भी हमारे भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज ये स्थली को भी प्रकाश किया है। बोले श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की, जोर से बोलो, बोले श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की। और एक स्थान है जिसको कहते हैं ब्रह्म हृदय, वहां पर ब्रह्म कुंड है। कभी आप लोग गिरिराज गोवर्धन कभी गए होंगे, जहां पर ब्रह्मा जी जब कृष्ण के बछड़े सखाओं को चोरी की, ब्रह्मा तो सोच रहा था ये कोई ग्वाल बाल होगा, साधारण कोई बालक होगा। लेकिन जिस समय ब्रह्मा जी कृष्ण के बछड़े और सखा को चोरी की, इतने में कृष्ण ही स्वयं ब्रह्मा बन गए। और ब्रह्मा ब्रह्मलोक में पहुंचने से पहले स्वयं कृष्ण ही ब्रह्मा बन करके पहुंच गए ब्रह्मलोक में। वहां पर जो दरवान लोग थे, बोले देखो मेरे जैसे कुछ बहुरूपिया लोग घूम रहे हैं, अगर और कोई व्यक्ति मेरे रूप धारण करते हुए आए तो वहां प्रवेश करने नहीं देना। कृष्ण ही ब्रह्मा बन करके ब्रह्मा जी के आसन को दखल कर ली। जब असली ब्रह्मा कृष्ण के बछड़े और सखाओं को चोरी करके जब ब्रह्मलोक में पहुंचे, लेकिन उनका जो दरवान लोग थे वो ब्रह्मा जी को वहां से भगाए, बोले तू कहां से आ गया, हमारे प्रभु तो अंदर में बैठे गए, तू कहां से आ गया। ब्रह्मा देखा मेरे आसन को कौन दखल कर लिया,
ध्यान लगा करके देखा, उनकी प्रभु स्वयं कृष्ण ही ब्रह्मा जी को आसन को दखल करके बैठ गए। फिर तो ब्रह्मा गए और आए, और इसी जगत में आते आते हो गया एक साल। एक साल पहले कृष्ण जैसे लीला कर रहे थे, अभी भी ठाकुर वैसे लीला कर रहे हैं। फिर तो ब्रह्मा देखकर भ्रमित तो हो गए, बोले मैंने तो बछड़े सखाओं को चोरी करके गुफा में बंद रख किया, क्या कृष्ण वहां से लेकर के आ गए? तब ब्रह्मा एक साथ में जो दोनों तरफ में देखा, जखा जितने बछड़े सखा, एक सब के सब कृष्ण ही स्वयं बने हुए, कृष्ण स्वयं बने हुए। अरे ब्रह्मा समझ गए, ये जो कृष्ण है ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, मेरे पिताजी के पिताजी का भी पिताजी ये श्री ब्रह्मा है। फिर स्वयं ब्रह्मा जी ठाकुर के चरण में उन्होंने अपना आंखों का आंसुओं से ठाकुर के चरणों को उन्होंने अभिषेक किया, पर भगवान को उन्होंने स्तुति की। ये जो स्थान है हमारे श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज, उन्होंने भी इस स्थान को उन्होंने उद्धार किया है। इस स्थान को सुंदर उन्होंने कुंड बनाया, पैसा दे करके स्थान को उन्होंने संस्कार किया, बड़े सुंदर स्थान बना दिया। जहां पर राधा रानी की विवाह हुई, एक स्थान ब्रज में जिसका नाम है कहते जाबट। जाबट किसको कहते हैं? बोले एक समय कृष्ण एक सुंदर बट वृक्ष को नीचे खड़े होकर के उन्होंने बंसी ध्वनि की। अभी बंसी ध्वनि सुन करके राधा रानी को सखियां श्रृंगार कर रही थी, लेकिन सारे श्रृंगार तो हो चुका है, लेकिन राधा जी के चरण में जो मेहंदी लगाते हैं, आपका इधर क्या कह दो, केवल इतना ही बाकी रह गया। इतने में कृष्ण ने बंसुरी बजाए, राधा रानी भागते भागते आई। जब आई कृष्ण देखा राधा रानी का तो सब श्रृंगार ठीक है, लेकिन अभी प्यार में जो आलता है वो मेहंदी नहीं लगा हुआ। कृष्ण ने भक्त को लेकर के रगड़ करके उन्होंने राधा रानी के चरण में उन्होंने आलता लगाया था, इसलिए वो स्थान का नाम है जाबट। मतलब जिस बट वृक्ष को नीचे कृष्ण स्वयं अपना हाथों से राधा रानी के चरण में मेहंदी लगाए, वो जो स्थान है, वो जो लीला स्थली ब्रज में हमारे गुरुदेव भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज, वहां पर भी उन्होंने पैसा दे करके बड़े सुंदर वो स्थान पर उन्होंने संस्कार किया। ऐसे ही बहुत सारे ब्रज में, अगर आप लोग जाओगे वृंदावन कभी, आप देखोगे बहुत सारे स्थान को हमारे महाराज जी, मतलब आपका गांव में जो महापुरुष ने जन्म लिया महाराज जी, समस्त लीला स्थलियों को उन्होंने प्रकाशित किया है। जहां पर अभी भी हजार हजार लोग जाते हैं, उनको पता चलता ठाकुर जी कहां कहां पर कैसे कैसे उन्होंने लीला की है, इसलिए उन्होंने ये काम को भी महाराज जी ने किया है। दूसरा काम क्या किया, महाप्रभु को भविष्य जो वाणी था, एक दिन ऐसे आएगा संपूर्ण पृथ्वी में भगवान का नाम गूंज उठेगा, गली गलियों में शहर शहर में सबके सब प्रसन्न होकर के एक बार सबके सब हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। और एक बार सबके सब हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए भगवान की भविष्यवाणी था, संपूर्ण पृथ्वी में हमारी जो सनातन धर्म है, सर्वत्र ये सनातन धर्म प्रचार होनी चाहिए, और सबके सब लोग प्रसन्न होकर के भगवान का कीर्तन और नाम करें, ये भगवान की भविष्यवाणी का महाप्रभु को। और हमारे श्रील भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज, इन्होंने भी ये इच्छा को उन्होंने पूरी किया, उन्होंने गौड़ीय मठ स्थापन किया। गोवर्धन गए मंदिर में, हमारी कभी गोवर्धन मंदिर कभी गए? गोवर्धन में कौन कौन गए गोवर्धन मंदिर में? कितना विशाल मंदिर गुरुदेव ने बनाया। कभी नवद्वीप परिक्रमा में गए आप लोग? कभी कौन कौन नवद्वीप परिक्रमा में गए? माता जी गए, सब गए,
आप देखना वहां पर कितनी बड़ी मंदिर गुरु जी ने बनाया, संपूर्ण विश्व के लोग आते हैं। और आप लोगों को तो पता है यहाँ पर जैसे मधुसूदन महाराज आते थे कितने अंग्रेजी लोगों को लेकर के आते थे, अब देखे कि नहीं सब लोग। इसलिए गुरु जी ने संपूर्ण विश्व में, गुरु जी संपूर्ण विश्व में गुरु जी जा जा करके महाप्रभु का वाणियों को सर्वत्र उन्होंने प्रचार उन्होंने प्रसार किया है। हैं बोले जो तीसरा काम है कि जितने भक्ति ग्रंथ जगत में, ये भक्ति ग्रंथ प्रचार होनी चाहिए। इसलिए महाराज जी बहुत सारे ग्रंथों को उन्होंने प्रकाशित किया है। पहले वो बंगला भाषा में था, गुरु जी ने उसको हिंदी भाषा में ट्रांसलेशन किया है। कितने ग्रंथ, जैव धर्म, ये भगवत गीता और उज्ज्वल निर्मणि, भक्ति रसामृत सिंधु विदु, कितने ग्रंथों को गुरु जी ने, कितने ग्रंथों को उन्होंने ट्रांसलेशन किया और वो हिंदी भाषा से अंग्रेजी भाषा में, रसिया भाषा में, पता नहीं कितने भाषा में गुरु जी के ग्रंथों को ट्रांसलेशन की गई। और सारा दुनिया के लोग हमारी भगवत गीता, रामायण, भागवत को पढ़ करके लोग धन्य धन्य हो रहे हैं। ये सारे ग्रंथों को किसने प्रचार प्रचार किया है, किसने ट्रांसलेशन किया? हमारे श्री ऊपर जो महाराज को दर्शन कर रहे, जो महापुरुष ने आपकी गांव में, जो महापुरुष ने जन्म ग्रहण किया है, इसलिए उन्होंने अनंत और इनकी जो साधन भजन, आप लोग तो दर्शन नहीं कर पाए, हम गुरु जी को हम भी सेवा करते थे। गुरु जी जितने बजे क्यों नहीं सोए, गुरु जी क्या करते थे, 2-2.5 बजे उठ जाते थे और उठ करके ये जो माला है ना, माला को लेकर के हाथ मुख धो करके बैठ जाते थे। बैठ करके 9 बजे से पहले, 9 बजे से पहले गुरु जी 1,00,000 माला जप करते थे। कितना माला जप करते थे आपको बताए, 1,00,000 कितना होता है? हाँ कितना होता है 1,00,000? 100,000 में 1,00,000 होता है ना गुरु जी, समझो कंटिन्यू अगर 2:30-3 बजे से माला करे ना, करी करी 6-7 घंटा तक, जब तो गुरु जी ये 1,00,000 माला पूरी नहीं कर ले तब तो कोई भोजन नहीं करते। पहले 1,00,000 माला पूरी करेंगे, उसको बाद में फिर कोई प्रसाद पाएंगे, उसको पहले भोजन नहीं कर सके। 1,00,000 माला, फिर दिन भर भजन, फिर और 1,00,000 माला, दिन में 2-2 लाख हरिनाम करते थे और उसको साथ साथ में ग्रंथों को प्रकाशन करना, स्तुति स्तव ठाकुर को सेवा, मठ मंदिर सब कुछ गुरु जी देखते थे। इसलिए जगत में गुरु जी ने इतने भजन साधन किया। महाराज जी जगत में इनका नाम क्यों, सारा दुनिया क्यों इनकी पूजा कर रहे हैं, कारण क्या है? कारण है इन्होंने भगवान की भक्ति भजन किया है, भगवान की भक्ति किया है, इसी वजह से सारे दुनिया में इनके नाम प्रचार और प्रसार हो रहा है। बोले श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की। इसलिए उसी समय में जितने बड़े बड़े विद्वान लोग थे, इनके नाम सुन करके सबका सर नतमस्तक हो जाता था। अगर कोई सुनता था ये नारायण गोस्वामी महाराज का शिष्य हो, हैं? इसलिए वृंदावन में एक छोटी घटना सुन लो। वृंदावन गए होंगे, वहां पर सेवा कुंज एक स्थान है जहां पर कृष्ण रास करते करते जब राधा रानी थक गई, कृष्ण जहां राधा रानी की चरण की उनने सेवा की थी, इसलिए उस स्थान का नाम पड़ गया सेवा कुंज। सेवा कुंज में एक पुजारी था, राधा रानी स्वयं को पुजारी को स्वप्न दिया, बोले देखो उस समय में यह हमारी ब्रज मंडल परिक्रमा चल रहा था जहां पर देश विदेश से 1,000 भक्त लोग आए हुए थे, उनको स्वप्न दिया कि जो नारायण गोस्वामी महाराज है ये मेरी एक सखी है, ये मेरी एक सखी है, मेरी प्रसाद को लेकर के उनको दे करके आना। अभी जो सेवा कुंज को जो पुजारी था वो स्वयं यहाँ से राधा रानी की प्रसादी माला और सुंदर सुंदर प्रसाद लेकर के गुरु जी को पास में आए। जब गुरु जी को पास में आए इतने में स्वयं बताए, बोले राधा रानी की मेरे को आदेश दिया है, ये नारायण गोस्वामी महाराज मेरी एक सखी है, ये प्रसाद लो। तो गुरुदेव तो सुनकर के प्रेम में गदगद हो गए, क्योंकि राधा रानी स्वयं
जो स्वप्न देख रखे राधा रानी इनको पास में भेजा। तो गुरु जी अगर कोई पंडा लोग आए ब्राह्मण लोग आए गुरु जी सबको कुछ प्रणाम देते थे। तो उन्हें 1101 रुपया उनको प्रणाम दिया, बोले इसको लो। बोले नहीं, मैं सब लोगों से प्रणाम लेता हूँ लेकिन आपसे नहीं ले सकता, क्योंकि मेरे को राधा रानी ने ही स्वप्न दे करके आपको पास में भेजा है, ये चीज को मैं नहीं ले सकता। इसलिए ये समझो जहाँ पर स्वयं राधा रानी अपना प्रसाद दीमाला और अपना प्रसाद जिस महापुरुष को पास में भेजे, और राधा रानी जहाँ स्वयं बताती हैं, इसलिए नारायण गोस्वामी महाराज मेरी सखी है, इसलिए जिस गांव में वो जन्म हुए हैं इसी गांव में महाराज ने जन्म लिए ना, आप लोग जो यहाँ पर जो जन्म लिए हो आप लोग भी बड़े धन्यवाद, आप लोगों का बड़े भाग्यवाद जो कि आप लोगों ने इस स्थान पर जन्म हुए हैं। इसलिए हमारे शास्त्र में बताया जहां पर एक महापुरुष जन्म ग्रहण करता है, जहां पर एक संत जन्म ग्रहण करता है, बोले ताहार प्रभावे कोटि योजन निस्तारे, कहते एक महापुरुष जन्म ग्रहण करने पर उसकी प्रभाव से कहते करोड़ों योजन तक स्थान पवित्र हो जाती है। कहते वो महापुरुष अपना दृष्टि जितने दूर तक उनको दृष्टि जाती है, जितना दूर तक वहां पर कोई अभाव अनटन वहां पर नहीं रहती, वहां पर कोई दुख कष्ट वहां पर नहीं रहता है। कहते वो महापुरुष जब हाथ उठा करके नृत्य करे, कहते स्वर्ग में देवता लोग का भी स्वर्ग में कल्याण होता है, उनकी चरण स्पर्श पाने पर ये पृथ्वी भी अपने आप को धन्य थी धन्य मानती है। जहां पर ऐसे एक महापुरुष जन्म हुए, यहाँ तक तो बताए त्रिकोटि कुलेर है श्री वैकुंठ वास, जिस वंश में जन्म होते हैं 3 करोड़ पूर्वज उनके उद्धार हो जाते हैं, 3 करोड़ पूर्वज उनको उद्धार हो जाता है, इतने महत्व है जहां पर एक संत जन्म ग्रहण करता है। इसलिए इसी दृष्टिकोण से यहाँ पर भी आप लोग जो तिवारी ज्यादा तिवारी वंश है नहीं, यहाँ पर ब्राह्मण वंश है तिवारी आप लोग है, आप लोगों का अहो भाग्य है जो लोग आप लोग यहाँ पर आप लोगों ने जन्म ग्रहण किया। और देखो गुरु जी कृपा से भी इतना सुंदर मंदिर और इतने सुंदर ठाकुर भी यहाँ पर स्थापित हो गए, इसलिए आप लोग बड़े धन्यवाद आपको है। और आप लोग खूब भजन करो और भगवान की खूब भक्ति करो, ठीक है। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। और एक बार जोर से बोलिए, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री लाल। हाँ अब लोग मेरे पीछे पीछे 2 मिनट भगवान का नाम कीर्तन, सबके सब ताली बजाते हुए भगवान का कीर्तन में जो ताली बजाते हैं ना उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर भाग्य रेखा माताएं ध्यान देकर सुनो, जब बैठे कहते भगवान की कीर्तन में जब ताली बजाए हमारी जो भाग्य रेखा है ये बदल जाती है। अगर कभी उल्टा पुल्टा हो है, जैसे घर में अगर बहुत ज्यादा दुख कष्ट आता है हम किसी ज्योतिष को पास में जाते हैं, बोले भैया क्यों एक बात में एक विपत्ति क्यों आती है, लेकिन थोड़ी ज्योतिष आपका दुख कष्ट को थोड़ी दूर कर सकता है, ठाकुर ही दूर कर सकते हैं। अगर हम भगवान के कीर्तन में ताली बजाए ना, ये भाग्य रेखा अगर थोड़ी सी गड़बड़ सड़बड़ हो कद भगवान की आशीर्वाद से ये भाग्य रेखा बदल जाती है। इसलिए सबके सब मेरे पीछे माताएं सबके सब हाथ खोल करके, सबके सब हाथ खोल करके मेरे पीछे पीछे ठाकुर का कीर्तन करो, ठीक है। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत कथामृतम की जय। जय जय श्री राम। हरे कृष्णा। गत गले हम लोग श्रीमद् भागवत कथा की महिमा को श्रवण कर रहे थे। जहाँ पर ये श्रीमद् भागवत कथा हो, जब श्री चतुसर ये हरिद्वार में ये श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ कर रहे थे, उसी समय में कौन कौन वहाँ पर आए थे? बोले वशिष्ठ, पराशर, व्यास, जितने बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग भी वहाँ कथा सुनने आए। गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदे, सिंधु, कावेरी, ये भी सबके सब मूर्तिमान रूप लेकर के आए। बोले अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिया, ये भी सबके सब मूर्तिमान रूप लेकर के आए। और जितना दंडकारण नदी, जितने वन भी सबके सब आए। और जो नहीं आए, अगस्त ऋषि घर घर में गए। बोले तुमको पता चला कि नहीं, चतुसन हरिद्वार में ये भागवत कथा कर रहे, बड़े भाग्य से। बोले करोड़ों करोड़ों जन्मों का जब सौभाग्य उदय हो, पुण्य उदय हो, तभी ये भागवत कथा सुनने का सौभाग्य मिलता। चलो सबके सब कथा सुनने के लिए चलो। इसलिए तात्पर्य है, जब ये श्रीमद् भागवत कथा हुई, सबके सब ये कथा श्रवण करने के लिए आए। अगर हम लोग सब सोचते होंगे ये कथा केवल हम ही सुन रहे, नहीं, जहां पर कथा हो ये सबके सब ऋषि मुनि के देवता लोग भी स्वर्ग से उतर करके आते हैं ये भागवत कथा श्रवण करने के लिए, इतने महिमा। इसलिए श्री सुत गोस्वामी कहते हैं, बोले सर्वाणि तीर्थानि वसति तत्र यथाच्युतादर कथा प्रसंग। बोले जहां पर ये श्रीमद् भागवत कथा हो, देखो ध्यान देकर सुनो कितने बड़ी बात कहते हैं। बोले पृथ्वी में कितना तीर्थ है आपको पता है? कहते 6 अरब। कितने तीर्थ है? 1 अरब कितना होता है? 100 करोड़ में 1 अरब होता है। बोले 6 अरब मतलब 600 करोड़ तीर्थ है। लेकिन अगर इतने तीर्थ में कोई स्नान करना चाहे, कोई संभव है क्या? बताओ, संभव नहीं। लेकिन श्री सुत गोस्वामी कहते हैं ऐसे कौन सा एक उपाय है जहां पर हम एक साथ में हमारी सारे तीर्थ में एक साथ में स्नान हो जाए, ऐसे कोई उपाय है? कहते एक उपाय है, जो व्यक्ति ये श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करते हैं, वो सब के सब बैठ बैठ करके पृथ्वी का सारे तीर्थ में स्नान हो गया। समझो सारे तीर्थ में बैठ बैठ करके स्नान हो गया। बोले उससे भी ज्यादा महत्व ये सत्संग की, क्योंकि तीर्थ करने से क्या होता है, थोड़ी समय के लिए थोड़ी पाप नष्ट होगा, फिर घर में आकर फिर वही पाप करना शुरू कर देंगे। लेकिन इस सत्संग रूपी अगर कथामृत से कोई स्नान करेगा तो पाप तो धूल ही जाएगी, आपका हृदय तक भी परिसाफ हो जाएगी, हृदय में भी भगवान की भक्ति की रस भी हृदय में संसार हो जाएगी। देखो जैसे यहाँ पर कुछ विदेश लोग आते थे, आप लोगों को पता हो ये कहाँ के थे? बताओ, कोई लंदन, कोई अमेरिका, कोई रशिया से आए। अभी प्रश्न है, इतने दूर रहते हुए कैसे ये लोग आए? तिलक लगाए हुए देखे होंगे, गले में कंठी, तिलक, हाथ में माला, चोटी रखे हुई, इनकी संस्कार बनी कैसे? कारण है इनको सत्संग लाभ हुआ है, इनको सत्संग मिला है, इसलिए इनकी संपूर्ण जीवन जो ड्रग्स लेते थे, गो मांस खाने वाले, चरित्र भ्रष्ट, सारे अनीति करने वाले, सारे पाप कर्म, लेकिन जब कथा रूपी गंगा में वो भी स्नान किए, उनके हृदय परिवर्तन हो करके सब चोटी माला तिलक रख करके, आप लोग देखे होंगे कैसे माला लेकर के जोर से बोलो, बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। और एक बार जोर करके बोलो, बोले हरे कृष्णा
Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare. उनके हृदय में भी भक्ति की संचार, उनके हृदय में भी भक्ति की संचार होगी। कारण है ये सत्संग की महिमा है। इसलिए जहां पर ये श्रीमद् भागवत कथा हो, जब चतुष्ण कथा करने जा रहे थे उसी समय में स्वर्ग से देवता लोग भी पारिजात पुष्प की बौछार की और वे लोग भी शंख और दुंदुभी बजा करके ये श्रीमद् भागवत कथा की जयकार करते। देवता लोग, तात्पर्य क्या है, बोले जिस गांव में ये श्रीमद् भागवत कथा हो, जिस गांव में ये भरी चर्चा हो, कहते स्वर्ग का देवता लोग भी प्रसन्न हो जाते हैं। वो भी स्वर्ग लोग से पुष्पों की बौछार करते हैं। अहो भाग्य है यहाँ पर ये श्रीमद् भागवत कथा हो रही है। इतनी महिमा ये श्रीमद् भागवत कथा की। इसलिए समझो हम लोग बड़े भाग्यवान हैं जो कि ये कथा रस को हम सबके सब पान कर रहे हैं। ठीक है ना। इसलिए गतकल्ले हम लोग श्रवण कर रहे थे ये भागवत कथा की महिमा। क्या हम लोग कल श्रवण कर रहे थे जिस कथा को सुन करके धुंधुकार जैसे पापी, जिसको 100 बार भी पिंड देने पर भी जिसको मुक्ति नहीं मिली, ये कथा से मुक्ति मिली। और जो ज्ञान और वैराग्य, ये भक्ति की दो बेटे हैं, एक ज्ञान है और एक है वैराग्य। ये भी बूढ़े हो चुके थे, वृंदावन में आकर के बूढ़े हो चुके थे। इसलिए भक्ति देवी बड़ी दुखी, मेरे दोनों बच्चे माँ तो हो करके, माँ को होनी चाहिए बूढ़ी और बच्चों को होनी चाहिए जवानी, लेकिन मेरी दुर्दशा को देखो, माँ तो युवती और बच्चे हमारे बूढ़े, बच्चे हमारे ज्ञान वैराग्य बूढ़े। इसलिए नारद जी जिनका कानों में वेद पुराण उपनिषद एक एक करके सारे शास्त्र को सुनाए, लेकिन इनकी चेतनता नहीं भई। लेकिन इनकी चेतनता कब हुई, जब इन्होंने श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण की, एकदम भक्ति को साथ में ज्ञान वैराग्य भी नाच उठे। हैं, ज्ञान वैराग्य भी नाच उठे, मतलब क्या है, कि अगर ये भागवत कथा को श्रवण करते हैं, हमारे हृदय में भी एक ज्ञान है और एक है वैराग्य। अगर कोई प्रभु की भक्ति करना चाहते हैं, कहते जैसे भक्ति की जैसे दो बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य है, कहते अगर कोई भक्ति करना चाहते हैं ना, आपको भी दो बेटे होनी चाहिए, एक ज्ञान और वैराग्य। एक ज्ञान होनी चाहिए, वैराग्य भक्ति की दो बेटे होनी चाहिए। लेकिन अगर दोनों बेटे अगर बूढ़े हैं ना, भक्ति भी रोएगी। लेकिन ये ज्ञान वैराग्य जवानी का बनेंगे, बोले ये भागवत कथा से। मतलब क्या है, ये भागवत में पूर्ण ज्ञान पूर्ण वैराग्य श्रीमद् भागवत कथा में। इसलिए जो व्यक्ति ये भागवत कथा सुनेंगे, बास भक्ति भी जवानी हो जाएगी, ज्ञान वैराग्य भी जवानी हो जाएगी। जैसे सबके सब भक्ति में नाचने लग गए, हम भी प्रेम में भी हम भी सराबर हो जाएंगे। बोले श्रीमद् भागवत कथा अमृतम की जय। इसलिए गतकल्ले हम लोग श्रवण कर रहे थे ये श्रीमद् भागवत कथा की महिमा को श्रवण कर रहे थे। अभी हम लोग श्रवण करेंगे कि सुत और स्वर्ण का आदि संवाद है, कैसे ये घोर कलिजुग आया। घोर कलिजुग आने पर इतने में जितने ऋषि मुनि लोग थे, ये सबके सब ब्रह्मा जी को पास में गए। बोले पितामह ब्रह्मा जी, ये कलिजुग आ रहा है। बोले कलिजुग मतलब क्या, बोले जहां कली के सिवाय और कुछ है ही नहीं। आप देखना, भाई भाई में झगड़ा, बहु बहु में लड़ाई, पड़ोस में लड़ाई, देश में भी लड़ाई, मन मन में लड़ाई, आप किसी ऑफिस में काम करने के लिए जाओ लड़ाई। कली मतलब जहां पर कली, कहते प्राप्त कलियुग घोरा नरापुण विवर्जिता। कलियुग आने पर लोग सबके सब सत्कर्म से विमुख हो जाएंगे। हैं, बोले दुराचार रता सर्वे, सबके सब दुराचार में ही लिप्त हो जाएंगे। सत्य वार्ता परान मुख, कोई सच नहीं बोलेगा, सबके सब झूठ बोलेंगे, बेईमानी करेंगे। ये कलियुग का ये दुर्दशा है। इसलिए ये घोर कलियुग आने पर तब श्री जितने ऋषि मुनि लोग ब्रह्मा जी को पास में गए, बोले हे पितामह ब्रह्मा, ये घोर कलियुग आया है, बताओ ये कलियुग से हम बचेंगे कैसे। बोले कोई चिंता मत करो,
मैं अपना मन से एक चक्र प्रकट करके फेंकूंगा, ये चक्र जहां पर गिरेगा समझना वही पवित्र स्थान, वहीं पर भजन करोगे तो तुमको कली व्याप्त नहीं करेगा। वो चक्र जाकर गिरा नैमि शरण। आप लोग कोई गए हो नैमि शरण? कोई नहीं गए? हाँ गए है ना, जो लोग गए आप देखे होंगे सुंदर, जैसे आपके यहाँ गंगा प्रवाहित है, गंगा वहां बह रही है, वो जो चक्र गिरा एकदम पाताल पुरी तक चली गई। 24 घंटा आप देखो गर्म पानी, हर समय पानी निकलती वहां पर है, इसलिए वो नैमिषारण्य में गिरा है। इसलिए वो स्थान का नाम नैमिषारण्य, जहां एक निमिष समय भी कभी बर्बाद नहीं हो। भगवान एक निमिष को अंदर में 1000 राक्षस का बल को उन्होंने नष्ट किया था। वह चक्र की ऊपर भाग को नैमि कहते, इसलिए वो स्थान का नाम पड़ा नैमिषारण्य नाम पड़ा। वहीं पर ऋषि लोग बड़ी दिनों से यज्ञ कर रहे थे, लेकिन यज्ञ करते करते उनकी हृदय तक भी जल गई, लेकिन मन को शांति नहीं मिली। एक दिन भगवत इच्छा से श्री सुत गोस्वामी आते हैं। सुत गोस्वामी आने पर सौनक आदि ऋषि लोग उनका आसन देख करके बैठा है, बैठा करके उनको बोले आप तो गुरु जी की कृपा से समस्त वेद पुराण इतिहास को गुरु जी की कृपा से आपने प्राप्त किया है, इसलिए ये कलियुग है। कहते कलियुग का क्या स्थिति, बोले प्रायण अल्पायुष। पहले पहले ये नियम था, जैसे जब तक जीव की पूरा परमायु पूरी नहीं होगा कोई नहीं मरते थे, परमायु पूरी नहीं होने से कोई नहीं मरता था। जैसे सत्य युग में परमायु था 1,00,000 साल, कितना साल था जोर से बोला, 1,00,000 साल चिंता रहते थे। त्रेता युग आया हो गया 10,000, द्वापर युग आया हो गया 1,000, लेकिन कलियुग आया तो हो गया 100 साल। अभी कलियुग में आप देखना जैसे कोरोना, इतना कितना लोग मर गए कोरोना हैं, कोरोना में कितने लोग मर गए। लेकिन पहले पहले नियम, पहले मृत्यु ये पूरी परमायु से पहले कोई मरेगा नहीं, लेकिन कलियुग में देखो कोई स्थिर नहीं कब कौन मर जाए। हमने जो श्वास भी छोड़ा दूसरा बार भी श्वास ले पाएंगे कोई बोल सकता है? किसको पास में कोई गारंटी है? कोई गारंटी नहीं। किस समय ये काल आकर पकड़ कर ले जाता है, हैं? इसलिए बोले प्रायण अल्पायुष सभ्य कला भस्मीन युगे जना, बोले मंदा सुमंद मतयो। बोले कलियुग का जीव का मन कैसे, बोले मंद नहीं अत्यंत अत्यंत मंद बुद्धि। पहले लोग क्या करते थे, गीता रामायण पढ़ते थे, भागवत पढ़ते थे। अभी समय हो तो स्मार्टफोन आ गया, टीवी आ गई है, टीवी अगर कोई उल्टा पुल्टा सीरियल आए तो उसमें ही घंटे घंटे तक उसमें ही देख देख कर समय को बिता देते हैं। और स्मार्टफोन तो बच्चे लोग पागल स्मार्टफोन में देखा, एक एक दो दो साल का बच्चे भी पागल, उनको स्मार्टफोन से 1 सेकंड भी, बच्चे लोग भी उसको लेकर दिन भर बच्चे लोग भी खेलते रहते हैं। लेकिन पहले क्या होता था, भगवान गीता रामायण भागवत पढ़ते थे। इसलिए बोले कलियुग में लोगों का बोले मंदा सुमंद मतयो, मंद स्वाभाविक रूप में ये मन गलती काम पर स्वाभाविक रूप में जाता है। बोले झुपद्रुता, झुपद्रुता मतलब अगर थोड़ी कोई भगवान की भक्ति करे भजन करे बच्चा, बोले कोई उम्र तुम्हारी है भजन करने की, अभी से ही सो माला करती तुमने क्या पकड़ लिया। लेकिन अगर कोई शराब पिए ना कोई नहीं बोलेगा ये क्या तुम्हारी उम्र है, लेकिन कोई थोड़ी अगर कोई माला जप करे तिलक लगाए बोले ये सब क्या है, ये सब क्या है सब है। इसलिए कलियुग में इतनी उपद्रव भजन करने के लिए इतनी उपद्रव। इसलिए सौनक आदि ऋषियों ने पूछा आप कृपा करके बताओ, गुरु जी की कृपा से आपने सब कुछ प्राप्त किया है। तब उन्होंने उनको 6 प्रश्न किया है, और ये 6 प्रश्न का जो उत्तर है ना ये श्रीमद् भागवत है। आप लोग ध्यान देकर सुनो, 6 प्रश्न किया है, बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न है। ये 6 प्रश्न सौनक आदि ऋषि के लिए नहीं, ये 6 प्रश्न हम लोग के लिए, ये हम लोगों का होकर, गीता अर्जुन के लिए नहीं, गीता हम लोगों के लिए, भागवत हम लोगों के लिए श्रीमद् भागवत है, हैं? उसे 6 प्रश्न का जो पहला प्रश्न है कि आत्मा को शांति कैसे मिलेगी। बच्चे लोग जो सो बच्चे बैठे हैं ना सब याद करना, ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों जो बैठे हो अच्छे तरह से सुना, इसलिए तुम लोग याद करना
पहला प्रश्न है आत्मा को शांति कैसे मिलेगी। देखो हम संसार में जो कुछ करते हैं ना वो आत्मा को शांति के लिए करते हैं। केवल आत्मा को शांति के लिए तो करते हैं ना, आत्मा को शांति कैसे मिले, इसलिए इनका पहला प्रश्न है आत्मा को शांति कैसे मिलेगी। दूसरी जो प्रश्न है, कलयुग में भगवत प्राप्ति की सबसे सरल उपाय क्या है। देखो पहला प्रश्न से ये दूसरी प्रश्न भी जुड़ी हुई है। क्या जुड़ी हुई है, कहते भगवत प्राप्ति कलयुग में कैसे भगवत प्राप्ति होगी। क्यों, जब तक जीव को ये भगवत प्राप्ति नहीं होना तब तक जीव को कभी आत्मा को शांति कभी नहीं मिल सकती है। तभी ये आत्मा को शांति मिलेगी जब जीवन में भगवत प्राप्ति हो। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी बोले सात उदाहरण देकर समझाते हैं, सात उन्होंने उदाहरण दिया है। देखो क्या कहते हैं, कहते बारी मत है घृत सिकता ते बरु तेल बिनो हरि भजन न भवतरिया सिद्धांत अपेल। अगर कोई बोले मैं रेती को पीस पीस करके तेल निकाल दिया, आप बताओ रेती को पीसने से कभी तेल निकलेगी, बोलो रेती से कभी तेल निकलती है, नहीं। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं अगर कोई बोले हम रेती को पीस पीस कर तेल निकाल दिया, कहते इसको मैं मान सकता हूं। अगर कोई बोले मैं पानी को मंथन करते करते घी निकाल दिया, आप बताओ पानी मंथन करने से कभी घी निकलती है, निकलेगा, बोले नहीं, बोले मैं इसको मान सकता हूं। भले ही तुमने पानी को मंथन करते करते तेल निकाल दिया, घी निकाल दिया, ये कभी होता ही नहीं। अगर कोई बोले आकाश में फूल खिल रहा है, आकाश में कोई फूल खिलता है, देखे हो, नहीं, कहते इसको भी मैं कभी मान सकता हूं। अगर कोई बोले खरगोश के सींग उग गया है, खरगोश का सींग कभी होता ही नहीं। कोई बोले कछुआ के पीठ के ऊपर बाल आ गया, वो कभी होता ही नहीं। कोई बोले बांज का बेटा हो गया, वो कभी होता ही नहीं। कोई बोले बर्फ के ऊपर, कभी बर्फ के ऊपर आग जलती है, कभी नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं ये जो असंभव है ये कभी संभव हो सकती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बोलता है हम भगवान की भक्ति भक्ति कुछ करते नहीं, हम तो खुद जीवन में सुखी, गोस्वामी जी कहते हैं ये बात को कभी मैं विश्वास कर ही नहीं सकता हूं। बिनो हरि भजन न भवतरिय, भगवान की भजन के बगैर जगत में किसको सुखी मिला नहीं और किसको सुख मिलेगा नहीं। रावण जैसे व्यक्ति, लेकिन हमारी भावना क्या है, अगर ज्यादा पैसा हो जाए ना सुख मिलेगा, हमारी भावना है। रावण को देखो सोने की लंका, हम लोगों के पास में कितना सोना होगा, बोलो 10 किलो होगा, 20 किलो होगा, 30 किलो किसके पास सोना होगा, होगा नहीं। लेकिन जिसकी लंका ही सोना जिसकी लंका, पूरा ही लंका ही सोना जिसकी, कोई सोचता है शायद अच्छी किसी छोरी से शादी हो जाए, लड़की से सुतकी हो जाए, जिसकी पत्नी का नाम थी मंदोदरी। मंदोदरी मतलब क्या है, वो विश्वकर्मा की बेटी। अब रामायण सुने होंगे, जब हनुमान जी माता सीता को ढूंढने के लिए लंका पहुंचा, उनने मंदोदरी को देखकर भ्रमित तो हो गया, यही तो माँ लक्ष्मी नहीं, इतनी सुंदर थी मंदोदरी। एक सुंदर स्त्री नहीं, रावण को जहां से जहां सुंदर से सुंदरी, अगर किसको स्वर्ग लोक में भी गंधर्व लोक में मिला है ना, वो पकड़ पकड़ करके सबको अपना पत्नी बना के रखा। इतने घर में स्त्रियां सुंदर से सुंदरी है, कोई सोचता है अच्छा बेटा होगा तो सुखी हो जाएगा। रामायण देखे होंगे, मेघनाथ जैसे बेटा, इंद्रजीत 1 लाख जिसकी बेटा 1.25 लाख नाती, रामायण देखे होंगे आप लोगों ने। जब हनुमान जी को बांध करके ले गए, हनुमान जी ने देखा उसको पिता घर में झाड़ू लगा रहा है, पवन देव झाड़ू लगा रहे, बोले हे भगवान मेरे पिता को झाड़ू लगाने लगता। अग्निदेव स्वयं जिसके घर में कपड़ा धुलाई करता था, आप लोग देखे होंगे रावण को प्यार के नीचे काल को दबा करके रखा था, जितने ग्रह जितने देवता को जब हनुमान को बांध कर ले गए ना, आप देखे होंगे रामायण, जितने सारे देवता को बांध कर रखा सबके साथ, और सबके सब प्रार्थना कर रहे थे दुष्ट समय बचाओ, इतने ऐश्वर्य था। लेकिन रावण जब स्तुति करता शंकर जी को, बोले कथा सुखी भवा हम, हे भोले बाबा
हृदय में शांति नहीं, हृदय में सुख नहीं, कब सुख मिलेगा? इसलिए भैया ये जगत का कोई भी वस्तु हमें कभी शांति नहीं दे सकती है। विश्व ब्रह्मांड का राजा बन जाओ लेकिन ये सुख देने वाले नहीं, क्योंकि जगत में जो नश्वर वस्तु तुमको कहां, वो शाश्वत शांति कहां देगा। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं तभी जीवन में शांति मिलेगी जब ठाकुर जी की शरण में जाएंगे। इसलिए लंका में सबके सब बेचैन थे लेकिन एक व्यक्ति चैन से जी रहा था। बताओ तो कौन चैन से जी रहा था लंका में? विभीषण। बोले क्यों? राम की शरण में था। हनुमान जी पूरा लंका जला करके राख बना दिया लेकिन एक व्यक्ति का घर उसने नहीं जलाया। किसकी घर नहीं जलाया? विभीषण की। शिक्षा देते हैं अगर प्रभु की शरण में जो रहेगा ना वही बचेगा, और जो प्रभु की शरण में नहीं रहेगा, जितने तुम्हारे घर में धन दौलत, जितने ऐश्वर्य क्यों नहीं हो तुम्हारी घर में, वो कभी तुम्हें शांति सुख देने वाले नहीं। सुख देने वाले केवल प्रभु का प्रेम, केवल प्रभु का भक्ति ही जीवन में शांति देगा। इसलिए सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न की, इनकी दूसरा प्रश्न है कलियुग में भगवत प्राप्ति कैसे होगा? कलियुग में हम भगवान को कैसे भगवान को प्राप्त कर सकते हैं? इनका जो तीसरा प्रश्न है हमें भगवान की सुंदर सुंदर कथा सुनाओ, भगवान कृष्ण की प्यारी प्यारी कथा सुनाओ। चौथा प्रश्न है केवल कृष्ण कथा नहीं, बोले जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतानम धर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम् परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय सभवामी युगे युगे। इसलिए भगवान जो अलग अलग अवतार को लेकर के आए, कभी भगवान रामावतार में आए, हम लोग बड़े भाग्यवान भी है क्योंकि भगवान राम यहाँ बहुत लीला की। हम आज गए थे दर्शन करने के लिए जहाँ अहल्या को उद्धार किया है, जहाँ पर श्री विश्वामित्र जी की जहाँ भजन स्थली, जहाँ पर भगवान वामन देव का स्थान है। हम लोगों यहाँ जो जन्म ग्रहण किए ना अत्यंत पुण्य भूमि है, भगवान की पदांकित है। जहाँ पर राम रेखा, क्या राम राम रेखा गंगा वहां पर है। इसलिए आपको यहीं पर सबके सब, इसलिए आप लोग बड़े पुण्यात्मा जो पुण्य क्षेत्र में आप लोगों ने जन्म लिया है। इसलिए भगवान जो अलग अलग समय पर आकर के कैसे भक्तों को कैसे उद्धार किया है, और विशेष करके वामन देव का भी स्थान, मैंने तो पहला बार देखा वामन देव का स्थान यहाँ पर ठाकुर जी के हैं। इसलिए हमें भगवान की जो लीला कथाओं को ठाकुर जी की हमें कथा श्रवण कराओ। और इनका जो पंचमा प्रश्न है भगवान की अद्भुत अद्भुत जस कथा सुनाओ, कैसे कृष्ण गिरिराज को कैसे उड़ने उठा लिया। बोले श्री गिरिराज महाराज की। कुछ कुछ लोग तो जय देते हैं, कुछ कुछ लोग चुप होते हैं। देखो भगवान की जो जितने जोर से जय देता है ना उसको उतना ही जय होता है, ठाकुर को थोड़ी जय, जय तो अपना ही, जो जितने जोर से जय देगा उतना पाप कटेगी उतना ही पुण्य मिलेगा। एक बार जोर से बोलो, बोले श्रीमद भागवत कथा मृतम की। बोले श्री गिरिराज महाराज की। इसलिए भगवान कृष्ण ने कैसे ये गिरिराज को, ठाकुर जी ने कैसे गिरिराज को कैसे उठाए, भगवान के नाम की अद्भुत महिमा बताए। अजामिल अपना बेटा का नाम नारायण रख लिया, अपना बेटे को नारायण बोलते बोलते अंतिम समय में जमदूत जब उसको लेने के लिए आए उसने भगवान को नहीं पुकारा, उसने अपना बेटा को उन्होंने नारायण नाम से रखा था, अपना बेटे को नारायण नाम से पुकारा तो वैकुंठ से विष्णु दूत आकर के जमदूत को मार मार कर भगा दिए और उन पर हत्या किया। कितने भगवान के नाम, कितने महिमा ठाकुर जी की। इसलिए कृष्ण कैसे एक कृष्ण थे लेकिन जब प्रभु रासलीला कर रहे थे सत करोड़ों गोपियों को साथ में ठाकुर जी रासलीला कैसे की, हर गोपियां देख रहे थे मेरे पास में कृष्ण, मेरे पास में कृष्ण है। इसलिए आप कृपा करके हमें ठाकुर के जो अद्भुत जसों की उनकी महिमा को कथा सुनाओ। और जो छठवां प्रश्न है इनकी थी,
भगवान जब जगत छोड़कर गए, अब ये कलयुग में धर्म कहां पर, उन्होंने कलयुग में ये धर्म आश्रय ग्रहण किया कहां पर किया, बोले श्रीमद् भागवत कथा। कहते ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ में ये धर्म का आश्रय है, इसलिए कलयुग में जो लोग ये श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करते हैं, बोले भागवत कथा सुनना और भगवान से मिलना कोई अलग बात नहीं, जो कथा सुनते हैं वो साक्षात ठाकुर जी से ही साक्षात्कार हो रहे, कथा रूप में ठाकुर जी विद्यमान है। जब उन्होंने ये छह प्रश्न की, ये छह प्रश्न को सुन करके सुत गोस्वामी का हृदय तो प्रेम में गदगद हो गया, पुलकित हो गए, प्रसन्न हो गए। बोले क्यों प्रसन्न हुए, बोले इन लोगों ने जो प्रश्न की है ना, ये कोई साधारण प्रश्न नहीं था, ये प्रश्न केवल भगवत संबंधी प्रश्न, जहां पर जो चर्चा तो हुई थी तो केवल ठाकुर जी की चर्चा जहां पर होगी, कोई दुनियादारी की चर्चा जिसमें है नहीं। यहाँ शिक्षा देते हैं, जब किसी संतों को पास में जाओ ना, कभी भी दुनियादारी की चर्चा उनके पास में नहीं करनी चाहिए, केवल वही चर्चा करो, भगवत संबंधी वस्तु को चर्चा करेंगे तो तभी संत लोग खुश होते हैं, लेकिन दुनियादारी की चर्चा करेंगे तो संत लोग दुखी हो जाते हैं। अब देखो जैसे यहाँ पर आए, भगवान की कथा हो रही है तभी तो आए, अगर दुनिया की कथा होता कोई यहाँ पर आते, अब दुनिया की कथा चर्चा करो इतने दुखी दुखी हो जाओगे, दो व्यक्ति बैठो बैठ करके अपना संसार की चर्चा करो, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई परिवार से दुखी, कोई बेटे से दुखी, कोई बहू से दुखी, दुखी 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 हो जाओगे, लेकिन जहाँ हरि की चर्चा होगी वहाँ आनंद आनंद आनंदमय हो जाएगा, वहां पर रसी रस है। इसलिए श्री सुत गोस्वामी बड़े प्रसन्न हो गए, प्रसन्न होकर कहते हैं पहले अपना गुरु जी की चरण की मैं वंदना करता हूँ, उसको बाद में थर में आपकी प्रश्न का उत्तर दूंगा। इसलिए उन्होंने अपना गुरु जी की चरण को वंदना करते हैं, बोले बंदो गुरु पद पदो माँ परागा, इसलिए सर्वप्रथम उन्होंने श्री गुरु जी की चरण को उन्होंने वंदना की। बोले गुरु जी की चरण को क्यों वंदना की, बोले कारण है जब तक गुरु जी की कृपा नहीं हो ना तब तक ठाकुर का कृपा भी नहीं होता है। इसलिए कितना गुरु गोविंद दो खड़े का के लाग पाऊं, बलि हरि श्री गुरु जी जो गोविंद दिए बताऊं। अगर ठाकुर जी अगर गुरु जी खड़े हो तो सर्वप्रथम किसकी चरण की वंदना करनी चाहिए, बोले गुरु जी की चरण की वंदना करो, क्योंकि जो ठाकुर जी को जो भक्ति को बारे में हमें कौन बताएगा, गुरु जी तो बताएंगे ना। इसलिए गुरु जी की कृपा के बगैर कभी ठाकुर का कृपा नहीं होती है, इसलिए उन्होंने सर्वप्रथम उन्होंने श्री गुरु जी की उन्होंने वंदना की। एक छोटी सी कहानी सुनो ध्यान से करके, बोले एक समय आप लोग देखे होंगे पानी में एक काला रंग का एक चिड़िया होता है, वो पानी में वो अंदर में डूब करके मछली पकड़ता है, मछली पकड़ कर वो खा नहीं जाएगा डायरेक्ट, उसको ऐसे फेंकेगा, फेंक करके फिर दो बार उसको पकड़ कर खाएगा, उसका ये कला है। एक व्यक्ति ने ये चीज को देखा, देख करके बोले वाह मछली तो कैसे मछली को कैसे फेंकता है फिर इसको पकड़ करके फिर खाता है। उससे वो विद्या उसने सीख गई, सीख करके उसने एक लकड़ी का चाकू बनाया और ऐसे फेंकता है और उसको मुंह में ऐसे पकड़ता है, और इसको प्रैक्टिस करते करते जब बढ़िया से प्रैक्टिस कर लिया, अभी उसने लोहे की चाकू बनाया,
लोहे को चाकू बनाकर फेंकता है फिर पकड़ता है। जब बढ़िया से प्रैक्टिस हो गया अभी उसने उसका अपना रोज रोटी में लगा दिया। मतलब जब देखता है कुछ लोग खड़े है ना बड़े जोर जोर से बाजा बजाएगा, जब लोग खड़े हो जाएंगे फिर तो वो चाकू को ऐसे फेंकेगा, फेंक करके जाकर पकड़ेगा। लोग बड़े वाहवा करते हैं और कुछ पैसा देते थे। एक समय क्या हुआ, एक व्यक्ति ने इसको देख करके बोले वाह धन्य तेरे गुरु है जिसने तेरे को ये विद्या सिखाया। इतने में उसने बोल दिया थोड़ी मेरे गुरु जी सिखाए, मैं तो अपने आप सीख गया, मैं अपने आप सीख गया। लेकिन उसका गुरु कौन था, उसका गुरु था मछली। इसी जगत में देखो बगर जो शराब भी पीता है ना उसका भी गुरु है, जो चोरी करता है देखना उसका भी कोई गुरु होगा, जो सिगरेट फूंकता है उसका भी कोई गुरु होगा, जो गंजा फूंकता है देखना इस गंदी से गंदी चीज का भी जरूर कोई गुरु होगा। क्योंकि दूसरे से देख करके तो कोई चीज सीखता है ना, बिना देखे तो कोई चीज सीख नहीं सकता है। गंदी से गंदी काम में भी कोई गुरु उसकी जरूर होगा। लेकिन अभी तक उसका काम सक्सेसफुल हो रहा था, क्यों, उसने गुरु जी को उसने अपमान नहीं किया है, गुरु जी को नेग्लेक्ट नहीं किया, इसलिए उसका काम सक्सेसफुल होता था। लेकिन जब उसने बोला थोड़ी मेरे कोई गुरु है मैं तो अपने आप सीख गया, फिर उसी व्यक्ति ने बोले भैया और एक बार फेंक कर पकड़ दो। उसने चाकू को फेंका जोर से, फेंक करके जब पकड़ने के लिए गया ना इतने में उसकी नजर चूक गई, वो कहां पर गिरा, उसका नाक के ऊपर गिरा, नाक ही कट गई, उसकी नाक ही कट गई। इसलिए देखो साधारण जगत में ये विद्या तभी सार्थकता होती है जब तक आप गुरु जी को सम्मान करते हो। ये जो भक्ति विद्या है ये परमार्थ विद्या, ये ब्रह्म विद्या है। इसलिए ये ब्रह्म विद्या है, ये ब्रह्म विद्या जो अवाक मनस गोचर, जो वाणी और मन से, ये जो अगोचर जीव, ये ब्रह्म विद्या है। ये जो ब्रह्म विद्या है भगवत भक्ति विद्या भी, बगर गुरु जी के भी ये ब्रह्म विद्या काम सभानुजाया पवित्र चंचो प्रिय चुंबना एकांत कनन रहस्य पाटी निकुंज प्रसाद सदा निवासी। यदि जो सुखदेव गोस्वामी जो महल में रहने वाले ये सुख है जिसको राधा रानी स्वयं हाथ में बैठा करके अनार की दाना खिलाया करती थी, उसको कृष्ण नाम पढ़ाया करती थी और बोलती थी बोलो तो कृष्ण कृष्ण, और सुख भी बोलता था कृष्ण कृष्ण। में राधा रानी की अधरामृत लगा हुआ है। इसलिए जब वह 88,000 ऋषि जहां पर बैठे हुए थे, इतने बड़े बड़े ऋषि लोग बैठे हुए थे, 100 साल 200 साल जटा जुटाधारी, लेकिन जब कथा सुने है ना, किससे कथा सुने, बोले सुखदेव गोस्वामी से सुने। बोले क्यों, इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग बैठे हुए थे हैं, लेकिन सुने तो ये 16 साल कहीं 12 साल आता है, इतने छोटे बच्चे के मुंह से क्यों कथा सुने। बोले ये जो तोता है सुखदेव गोस्वामी ये कोई साधारण तोता नहीं, जो राधा रानी के निकुंज में रहने वाले राधा रानी जिनको चुम्बन करती थी, इसलिए उनकी अधरामृत श्री सुखदेव गोस्वामी के थोंट पर लगा हुआ है। इसलिए इनकी कथा सब लोग ने इनकी कथा सुने। बोले श्री सुखदेव गोस्वामी की, बोले श्री परीक्षित महाराज की। इसलिए उन्होंने सर्वप्रथम अपना गुरु जी के चरण की उन्होंने वंदना की सुखदेव गोस्वामी को। बोले जी सुखदेव गोस्वामी मातृ गर्भ में 16 साल तक रहे, लेकिन गर्भ से निकलना नहीं चाह रहे थे। इतने में व्यास देव जी ने बोले मैया को इतने कष्ट क्यों दे रहे हो बेटा, निकल करके आ जा। बोले नहीं, बोले क्यों, बोले ये माया की संसार है, हर बच्चा मातृ गर्भ में वायदा लेता है। बोले ठाकुर जी अगर एक बार तुम जन्म दे दो ये गर्भ से निकाल दो, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ उठते बैठते सोते मैं तेरे भजन करूंगा, तेरे नाम लूंगा। लेकिन इस संसार में आकर के जी ठाकुर का भजन को भूल जाता है, इसलिए बोले भैया मैं आना नहीं चाहता हूँ, गर्भ में तो मैं बढ़िया हूँ। तब बोले मैं माया को हटाता हूँ। बोले आप माया क्या हटाओगे, आप भी स्वयं माया में हो। बोले फिर माया को कौन हटा सकता है। बोले मायापति ये कृष्ण ही हटा सकते हैं। जब भगवान कृष्ण आए जब उन्होंने माया को हटाया, श्री सुखदेव गोस्वामी जन्म ग्रहण करते हैं।
बोले श्री सुखदेव महाराज की जय जय श्री राम। तब उन्होंने श्री गुरु जी को प्रणाम करते हुए तब उन्होंने प्रश्न की उत्तर कर देते हैं। हम लोग एक भजन सुन लो, प्रभु जी बढ़िया भजन सुना, सब भजन को पीछे पीछे आप लोग मीठी मीठी ताली भी बजा कर दिए, पीछे पीछे भजन बोल दिए। बोली सुंदर हरि लाल की जय, मुझे ऐसी लगन लगा दे, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे,
बले सबई पुंसांग परो धर्म जत भक्ति रघक सजे आहै तुकी अप्रतिहता जयात्मा संप्रसीद्यति। श्री स्वर्णकादि ऋषियों का जो पहला प्रश्न था, आत्मा को शांति कैसे मिले, इसका उत्तर देते हैं कि आत्मा को तभी शांति मिलेगी, ये आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब ये आत्मा ये परमात्मा के शरण में जाएगा, भगवान की भक्ति करेगा तभी जीव को ये परम शांति मिलेगी। हम बोलेंगे भैया हम तो भगवान की भक्ति कर ही रहे, ठाकुर जी का भक्ति कर रहे, अरे शांति क्यों नहीं मिल रही, इसका कारण बताए। दो कारण इसका बताए। बोले भक्ति कैसे होनी चाहिए, बोले भक्ति होनी चाहिए उसमें कोई कामना वासना नहीं हो, लेकिन हम जब भगवान की भक्ति करते हैं, मानो 10 रुपया की कोई फूल माला नहीं तो कोई फल ला करके ठाकुर को तो चढ़ाएंगे, लेकिन कम से कम उसमें 10 करोड़ की एक पर्ची रहेगी। बोले ठाकुर जी इसलिए आपका 10 रुपया की फूल माला नहीं सब फल चढ़ा रहा हूँ, हमारे घर में ये हो जाए, बेटा का शादी हो जाए, बेटी की शादी हो जाए, नौकरी लग जाए, हमारी इतने मंजिली मकान हो जाए, हमारी तरह तरह का कामना वासना का द्वारा हम भक्ति करते हैं। लेकिन जो भक्ति होनी चाहिए निष्काम भक्ति, जैसे हनुमान जी को जब प्रभु राम बोले बेटा वर मांगो, हनुमान जी क्या कहते हैं, बोले बार बार वर मांगो हरसी देहो श्री रंग पद सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सत्संग। बोले प्रभु अगर मेरे को वरदान देना चाहते हो हमें संतों की संग दो, और अनुपायनी अहित हमें भक्ति और चरण की हमें सेवा प्रदान कर। हनुमान जी ये प्रार्थना करते हैं। लेकिन जब हृदय में भगवान की भक्ति आ जाएगी ना, सारी संपत्ति अपनी आप आ जाएगी, भक्ति को पीछे सारी संपत्ति अपनी आप आ जाएगी, भगवान से मांगने का जरूरत नहीं, भगवान सब कुछ जानते हैं। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन बोले अन्नश्चिन्तयन्त माम जे जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगाक्षयं वहाम्यहम्। बोले हे अर्जुन जो अनन्य रूप में मेरी भजन करता है, अनन्य मतलब और किसी का सहारा नहीं, और किसी देवा देवी का सहारा नहीं, केवल मेरे सहारा में जो पड़ा हुआ है, केवल मेरा ही भक्ति मेरा ही नाम मेरा ही चिंतन जो करता है, उसके लिए मैं दो काम करता हूँ। बोले दो काम क्या करता हूँ, उसको घर में जो चीज नहीं है मैं स्वयं सर पर रख करके पहुंचाता हूँ, और उसी घर में जो चीज हो मैं स्वयं एक दरवान बन करके उसकी रखवाली करता हूँ। इतना बड़ा प्रतिज्ञा ठाकुर जी लेते हैं। इसलिए भक्ति अनुपायनी होनी चाहिए, और भक्ति कैसे होनी चाहिए, निरंतर जमाई, जैसे किसी शहद को जैसे डालो जैसे उसमें धागा बन जाती है, भक्ति हमारी निरंतर जमाई होनी चाहिए, 24 घंटा में 24 घंटा प्रभु की भक्ति करनी चाहिए। आप बोलोगे हम थोड़ी साधु संत दिन भर माला लेकर बैठे, बोले साधु संत बनने का जरूरत नहीं। इसलिए जो कुछ वो काम करते हो ठाकुर को सेवा मान कर करो, जैसे घर में झाड़ू लगाते हो, कहाँ झाड़ू लगा रहे हो, बोले भगवान के मंदिर में, अपना घर को क्या समझो, भगवान की मंदिर समझो। जैसे ब्रज की गोपियां थी वो भी तो घर में ही थी, देखो कितने बड़े संत हैं, उद्धव जैसे व्यक्ति भी जिनके चरण की धूल को प्रार्थना करते हैं, भागवत में जिन जिनियों का कथा सुन रहे हो सब गृहस्थों का कथा है, कोई त्यागी संतों की कथा नहीं हो रही यहाँ पर। बताओ परीक्षित महाराज तो घर में थे, अम्बरीश महाराज तो गृहस्थ ही थे, भरत महाराज तो गृह में थे, प्रहलाद महाराज तो गृह में थे, सब गृहस्थ की कथा है। इसका मतलब है शास्त्र कहता है घर में रहो नहीं तो वन में कहीं भी रहो, लेकिन भगवान की भजन करते हुए रहो, ठाकुर जी की भक्ति करते हुए रहो। घर में जो रसोई बनाते हो किसके लिए रसोई बना रहे हो, बोले ठाकुर जी के लिए रसोई बना रहे, भगवान के लिए रसोई बना रहे।
बच्चे को अगर थप थप लगा करके सुला रहे हो, बच्चे किसने दिया, बोले ठाकुर ने दिया, ठाकुर के बच्चे हैं। इसलिए कोई चीज छोड़ने का जरूरत नहीं, हर चीज ठाकुर में जोड़ दो। ठाकुर कभी नहीं बोलते हैं काम छोड़ो क्रोध छोड़ो, दिया किसने काम क्रोध, ठाकुर ने दिया। अगर गोपियों के अंदर में काम नहीं होता तो कृष्ण को प्रेम करते ही, अगर आप लोगों के अंदर में लोभ नहीं होता तो घर छोड़कर यहाँ पर कथा सुनने के लिए बैठते, मोह नहीं होता तो भगवान के भजन पे कैसे मोह कैसे होता। इसलिए कहते कोई चीज छोड़ने का जरूरत नहीं, हर चीज को ठाकुर के सेवा में जोड़ दो, किसी चीज को छोड़ने का जरूरत नहीं। देखो यहाँ पर इतना बड़ा मंदिर बना है, मंदिर अगर सब छोड़ देते तो फिर मंदिर कैसे बनता, आप लोग यहाँ बैठते कैसे। इसलिए किसी चीज को छोड़ने का जरूरत नहीं, हर चीज प्रभु के भजन में जोड़ दो, हर चीज को किसी चीज को छोड़ने का जरूरत नहीं। इसलिए हाथों में जो करते हो ठाकुर को सेवा मान कर करो, और मुंह में ठाकुर का नाम, हाथों में काम और मुंह में ठाकुर जी की, बोलो जोर से, हाथों में काम और मुंह में, अरे जोर से बोलो माताएं, कोई बोल नहीं रहे हो, सब सब दूर दूर हो गए, जो पास पास गप्पे मारते ना पैसे बैठ करके, थोड़ा दूर दूर हो जाओ, सब बैठे दूर दूर होकर बैठो और कथा को सुनो ध्यान से। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। और एक बार जोर करके बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। बोला श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोला श्रीमद भागवत कथा मृतम की, जय जय श्री राम। बोले आत्मा को शांति कब मिलेगी, जब भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान को प्रेम करेंगे तभी आत्मा को शांति मिलेगी। इनका जो दूसरी प्रश्न थी, कलयुग में भगवान को पाने का सबसे सरल उपाय क्या है, इसलिए भगवान को पता है कलयुग में हम ज्यादा साधन वजन नहीं कर सकते। भगवान बोले सबसे सरल उपाय है भगवान का नाम जप करो। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, बोले कली युग के, आप लोग सब पीछे पीछे ताली बजाते हुए बोलना ठीक है, बोले कल आप यहाँ बढ़िया, बोले कल यहाँ पर बढ़िया, कली युग के इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कलयुग को केवल नाम आधार, केवल मतलब और कुछ करने का जरूरत नहीं, कुछ भी करने का जरूरत नहीं, केवल ठाकुर का नाम जप करो। क्योंकि सत्य युग में था ध्यान, क्योंकि लोग जिंदा रहते थे लाख लाख साल, इसलिए ध्यान करते थे और लोगों का मन में कोई विचलता नहीं था। हम लोग बैठो ध्यान करने के लिए, पहले तो नींद आ जाएगी, अगर नींद नहीं आ जाएगी तो मन इधर उधर भटकता रहेगा। इसलिए कलयुग में ध्यान की एकाग्रता कर ही नहीं सकते। द्वापर युग में स्वयं कृष्ण स्वयं अर्जुन कहते हैं, द्वापर युग में हे अर्जुन चंचल ही मन कृष्ण, कभी वायु को हम बंद करके रख सकते लेकिन मन को नहीं रख सकते कंट्रोल करके, इतने मन ये चंचल है। इसलिए कहते ना ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तरह भजन करो। इसलिए बोले सत्य युग में था ध्यान, त्रेता युग में था यज्ञ, क्योंकि उसी समय में घी भी प्योर मिलता था,
जो ब्राह्मण लोग होते थे संस्कृत पढ़ते थे, संस्कृत पढ़ने का नाते जो शुद्ध रूप में ये श्लोक को उच्चारण करते थे। और एक यज्ञ कर तो घी लाओ, जग हवन सामग्री लाओ, दूध दही पंचामृत लाओ, पता नहीं एक यज्ञ में कितने पैसा खर्चा हो जाएगा। कलयुग में कहां इतने पैसा लाएंगे, लोग अपना खाना ही नहीं जुटा पा रहे, यज्ञ कहां से करेंगे। द्वापर युग में था ठाकुर की अर्चन सेवा पूजा, अर्चन पूजा के लिए भी रोज पंचामृत धूप दीप नैवेद्य चंदन अगुर कर्पूर कितने चीज की जरूरत है, कहां से इतना लाएंगे। इसलिए भगवान बोले कलयुग में ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं, केवल भगवान के नाम जप करो। एक बार हाथ उठा करके बोलो सबके सब, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार जोर करके बोलो, आप लोग बोलो मैं सुनूंगा, कुछ कुछ माताएं बोल नहीं रही, जोर से बोलो कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे। और एक बार जो बोले नहीं, और एक बार जोर से बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले श्री हरि नाम संकीर्तन की, बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि की। अभी प्रश्न है, ये कलयुग में प्रभु का नाम क्यों रखे। देखो ठाकुर जी कितने सुविधा दिया कलयुग में, ये भगवान खुद कहते हैं, बोले नाम नाम कारी बहुधा, मतलब कृष्ण गोविंद दामोदर कितने ठाकुर जी का नाम है। बोले जितने सारे शक्ति है, बोले नाम नाम कारी बहुधा निज सर्व शक्ति स्तत्र अर्पिता। भगवान क्या क्या कलयुग में आपने जितने सारे शक्ति उन्होंने अपना नाम में दे दिया ठाकुर जी। इसलिए मीरा की एक भजन है ना, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम। बोलो हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, अंत में अंत में निकला यह बलिया, हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम। मीरा कहती है हरि से बड़ा हरि का नाम है। भगवान राम को लंका जाने के लिए फूल की जरूरत पड़ी, लेकिन हनुमान को लंका जाने के लिए फूल की जरूरत पड़ी। बोले जय श्री राम बोल कर उन्होंने समुद्र को लांग गई। बोले द्रौपदी ने जब नाम पुकारी झट आ गई घनश्याम, जिस समय द्रौपदी की वस्त्र हरण हो रही थी, कहाँ हो रही थी, बोले हस्तिनापुर में, लेकिन ठाकुर जी थे कहाँ द्वारका में। लेकिन जब द्रौपदी ने ठाकुर को पुकारी, ठाकुर जी स्वयं वस्त्र रूप में प्रकट हो गए। बोले 10,000 हाथी का ताकत खत्म हो गई, लेकिन 10 गज साड़ी खत्म नहीं हुई। दुनिया देख रहे थे साड़ी बीच कोई नारी, ना नारी बीच कोई साड़ी है।
इसलिए ठाकुर जी कितने सरल कर दिया कलयुग में नाम। इसलिए बोले बोले नियमित स्मरण नकाल। ठाकुर जी ये नहीं बताए, देखो जब एकदम पवित्र बन कर रहोगे ना तभी मेरे नाम को ले सकते। ठाकुर ये नहीं बताए, ये नहीं बताए पवित्र अपवित्र किसी अवस्था में भी ठाकुर का नाम ले सकते हो किसी अवस्था में। मैं एक छोटी स्टोरी सुनो ध्यान देकर के, बच्चों सब ध्यान देकर सुनो। बोले एक समय कोई एक तेली था, दिन भर तेल निकलता था, और अब पता होगा जो बैल घुमाते थे ना बैल को कोल्लू कोल्लू से तेल निकालते थे। एक दिन नारद जी बोले बोले भैया तू तो नैना ने भी चक्कर में पड़े हुए हो, दिन भर काम में लगे हुए हो, पैसा 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 कर रहे हो। अरे जिसके लिए जीवन मिला 84 लाख जन्म के बाद में, ठाकुर जी बड़े भाग्य से बोले बड़े भागमान सत न पावा और सुर दुर्लभ सत ग्रंथ न गावा। ये मानव शरीर तो 84 लाख जन्म के बाद में एक बार ठाकुर जी देते हैं, क्यों? क्योंकि ये मानव शरीर नहीं बोले साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये 84 लाख जन भ्रमण करते करते ये मानव शरीर नहीं कभी ये मुक्ति की दरवाजा पर हम पहुंचे, क्यों? इसी जीवन में प्रभु का भजन करके ये संसार से पार हो सकते हैं। और तो दिन भर पैसा के चक्कर में पड़े हो, अरे थोड़ा तो राम का नाम ले, थोड़ा तो ठाकुर का भजन कर, बोले समय है नहीं मेरे पास में, समय नहीं भजन करने की, बोले दिन भर एकदम समय नहीं मिलती, बोले कहां से। हरि बोल हरि बोल हरे कृष्ण हरि बोल हरे कृष्ण, बोले दिन भर समय कहां है, तेल निकाल निकालते सब समय जाता है। बोले दिन भर कभी तो समय मिलता होगा, बोले मिलता है, बोले कब, बोले जी मैं शौचक्रिया में बैठता हूँ, समझ रहे हो, जब पैखाना करने के लिए बैठता हूँ तभी मेरे पास में समय है। बोले ठीक है कोई बात नहीं, तभी भी कर सकते हो। बोले अपवित्र अवस्था में, बोले ठाकुर थोड़ी बोले अपवित्र अवस्था में नहीं कर सकते। बोले ठीक है, जब उसने शौचक्रिया के लिए बैठने ना बस शुरुआत कर दिया, रघुपति राघव राजा राम पति पावन सीता राम जय रघुपति राम राजा राम पति पावन सीता जय रघुपति राम राजा राम पति पावन सीता राम रघुपति राजा राम पति पावन सीता राम जय रघुपति जब भगवान राम का नाम जप करना शुरू किया, बोले जत्र जत्र रघुनाथ कीर्तन, जहां जहां प्रभु राम का कीर्तन होना सबसे पहले श्री हनुमान जी पहुंचते। हनुमान जी सोचे होगा कोई गुरु भाई भाई मेरे प्रभु का नाम ले रहे, इतने में हनुमान जी झट प्रकट हो गए। लेकिन देखा हनुमान जी प्रकट हो गए, बोले दुष्ट दिन भर तेल निकालने में समय लगाते हो, हाँ समय नहीं तेरी भजन करने के लिए, ये अपवित्र अवस्था में पैखाना कर रहे हो, रघुपति राघव राजा राम दुष्ट। हनुमान जी को तो बड़ा क्रोध आया, उठाया एक लात मारे एक लात, लेकिन वो व्यक्ति को कुछ नहीं हुआ, वो थोड़ी सी इधर उधर होकर फिर बैठ गया चुपचाप। अभी हनुमान जी शाम को प्रभु राम की चरण की सेवा करने के लिए पहुंचे, जो पहुंचे ना देखा प्रभु राम करना रहे थे, बड़ा दर्द है। हनुमान जी पूछे प्रभु क्या हो गया, लगता है पीठ में दर्द, बोले हाँ, बोले कैसे, बोले एक बंदर ने मेरे को लात मारी। बोले बंदर ने लात मारी, बताओ वो बंदर का नाम क्या, पूरा दुनिया को बंदर से खत्म कर दूंगा, बंदर वीर कर दूंगा, बताओ प्रभु बंदर का नाम क्या। बोले उसका नाम वीर हनुमान। बोले वीर हनुमान मैं, प्रभु आप तो मेरे प्रभु हो, मैं कभी प्रभु को लात मार सकता हूँ, आपको तो मैं हृदय में धारण करता हूँ। बोले हनुमान जब तुमने रावणों के को मुक्का मारा था ना, एक मुक्के से रावण जैसे व्यक्ति बेहोश हो गया, एक मुक्का भी तरह सहन नहीं कर सका, लेकिन जब वो तेली को तुमने लात मारी वो तेली कुछ हुई, बोलो। बोले प्रभु
मैंने तो जोर से लात मारी लेकिन वो इधर उधर होकर फिर चुपचाप बैठ गए। बोले हनुमान मैं और मेरा नाम में कोई फर्क नहीं, बल्कि हरि से बड़ा हरि का नाम है। जब मेरा नाम ले रहा था ना, मैं नाम रूप में वहीं पर था, तुमने तेली को नहीं मारे, मेरे को मारे, मेरे पीठ पर तेरा दाग है। हनुमान तो कान पकड़ लिए, बोले प्रभु कभी भविष्य में ऐसे अपराध में कभी करूंगा नहीं, मेरी अपराध हो गया। देखो ठाकुर जी के नाम को देखो, ठाकुर जी इतने सुजोग दे दिया कलयुग में, उठते बैठते पवित्र अपवित्र ठाकुर जी कुछ भी नहीं देखे, हर समय प्रभु का नाम को ले सकते हैं। लेकिन ठाकुर जी बड़े दुखी होकर के एक बात को कहते हैं, मैंने इतने सरल रख दिया मेरे नाम को, लेकिन तब भी कलयुग का जीव हरि का नाम नहीं होगा। दिन भर बैठ करके इधर उधर की बात में समय को गमाएंगे, नहीं कभी एक कोहिनूर हीरे ठाकुर का नहीं दिया है, नहीं हम 84 लाख जन्म भटकते भटकते मुक्ति की दरवाजा पर हम खड़े हुए, लेकिन ये पाई ना जई, लेकिन ये जीवन पा करके पर लोक को जो शुद्ध से सरल उपाय दिया भगवान की भजन करने के लिए, ठाकुर जी के नाम संकीर्तन के द्वारा ही हम ठाकुर जी को पा सकते हैं। इसलिए आप लोग सब के सब भगवान के नाम जरूर लिया करो, ठीक है? ठाकुर का नाम, और एक बार बोलो सब के सब, बोलो देखो ये जो ठाकुर का नाम ले रहे हैं ना, देखो देखो ये जो ठाकुर जी की जो नाम जप कर रहे हैं, इसकी आवाज कहते जितना दूर तक, जैसे ऊपर में माइक लगा हुआ, ऊपर में माइक लगा हुआ, इसकी आवाज जितने दूर तक जा रही है। ये शास्त्र कहता है बोले सर्प रोग उपशमनम, जितना दूर तक इसकी आवाज आएगी जितने रोग दुख कष्ट सब नष्ट हो जाएगा, करके देखना। क्योंकि भगवान के नाम की ध्वनि जितने दूर तक गूंजेगी समस्त दुख कष्ट वहां से नष्ट हो जाती, बड़ी महिमा ठाकुर जी का नाम पर। इसलिए और एक बार जोर से हरि नाम लो, ये गांव के कोने कोने तक ठाकुर का नाम पहुंच जाए। हरे कृष्ण। ओम ज्ञान विनिरामस्य ज्ञान वंचनाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय व्याप्तये वेदांत नारायण संहितवान् ओम विष्णुपाद शुक्रशिष्य भक्ति वेदांत नारायण प्रसन्नता जी के चरणों में कोटि कोटि दल ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात में शिष्य गुरुदेव भक्ति वेदांत श्री प्रसन्न नारायण जी के चरणों में कोटि कोटि दल ज्ञापन करता हूँ। उपस्थित वृंदावन साय समस्त उच्चारीगण एवं तिवारी के समस्त वैष्णव वैष्णवी एवं माताएं बहनें और समस्त सज्जनों को मेरा कोटि कोटि दल ज्ञापन हुआ। आज हमारा हरि कथा एवं श्री गुरुदेव की कथा का दत्त दिवस है। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं जो तिवारीपुर में ही भगवान का एवं श्री गुरुदेव का सुंदर गुण लीला का श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। श्री गुरुदेव कोई साधारण मनुष्य की तरह नहीं थे। जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं जन्म कर्म च दिव्यम, ठीक इसी प्रकार से महापुरुषों का भी जन्म और कर्म जो है दिव्य होता है। उनका आना और जाना एक लीला की तरह होता है। इसीलिए हम भगवान का और महापुरुषों का गुरु वर्गों का कभी भी जन्म नहीं कहते और कभी भी मरण नहीं कहते। इसलिए एक सुंदर शब्द कहा गया आविर्भाव, मतलब उनका आना प्रकट होना, और जाना प्रादुर्भाव। तो इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण उनका नाम दिव्य है। ये जो बार बार महाराज श्री प्रयास कर रहे हैं हम सबके मन मनस पटल पर स्थापित हो जाए, हृदय में स्थापित हो जाए,
जिससे कि हमारा जीवन प्राण यह सुंदर हरिनाम हो। ये हरिनाम साधारण नहीं, इस कलयुग का महामंत्र है। एक बार शब्द दोहराएंगे, हरे कृष्णा उनसे अभेद है, दिव्य। एक बार सभा हुई कि हम किसको पूजें, बड़े बड़े योगी पुरुष, बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष सभा में उपस्थित थे, कुछ भक्त भी वहां पर उपस्थित थे, जिनमें मध्वाचार्य जी थे। मध्वाचार्य जी ने समस्त ज्ञानियों और योगियों का खंडन करते हुए कहा, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, कर्मापेकं तस्य देवस्यः सेवा। एक ही वो परम ईश्वर है, उसका नाम श्री कृष्ण है। उसका जो नाम है कृष्ण, और उसके अनंत लीला के अनुसार उसके नाम है, जैसे गोविंद, इंद्र भगवान, इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण का नाम दिया। क्यों? क्योंकि भगवान गो पालन करते हैं और इंद्रियों को तुष्ट करते हैं, इसे नाम गोविंद पड़ा। इसी प्रकार से उन्होंने कहा, जो है एक ही शास्त्र है भगवान का, जिसमें गुण लीला हो, भगवान के जिसके उपदेश हो, वो गीता या श्रीमद् भागवतम, उसे हमें ग्रहण करना चाहिए। और एक ही कर्म है हमारा, क्या, कि उसका हमेशा भजन करें, उसका हमेशा स्मरण करें, तो इस तरीके से हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। तो कई लोग कलयुग है ना, कलयुग में बहुत सारे लोग हैं जो भगवान को तो मानेंगे नहीं, भगवान के अंदर बैठे हुए परमात्मा को बोलते हैं वह है। कई संप्रदाय है जिसमें भगवान श्री कृष्ण गीता में जो जो कुछ कह रहे हैं उसको कह रहे हैं कि वो श्री कृष्ण के जो अंदर बैठा परमात्मा वो बोल रहा था, श्री कृष्ण जो है साधारण था, उसके अंदर परमात्मा आकर के बोला। ऐसी ऐसी भ्रांतियां फैली हुई है। भगवान का जो स्वरूप है वह हमारी तरह हाड़, ये हड्डी या मांस इत्यादि का बना हुआ नहीं है। भगवान सच्चिदानंद घन है, सत्य चित्त और आनंद के पूर्ण विग्रह है, जिसमें हर तरीके से आनंद ही आनंद है। तो ऐसे सच्चिदानंद विग्रह को हम साधारण मान लेते हैं, ये बहुत बड़ी त्रुटि है। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं, हमारे शास्त्रों में हमारे विश्वनाथ ठाकुर जी बड़ा सुंदर तरीके समझाते हैं भगवान किस प्रकार से दिव्य है, भगवान का आना और जाना किस प्रकार से दिव्य है, इसको समझाते हुए कह रहे हैं, इस संसार के अंदर अनेकों जादूगर हैं, और वो जादूगर कितना बड़ा बड़ा खेल दिखाते हैं कि हम बड़ा अचंभित हो जाते हैं, कि देखते हैं, आप सबने देखा भी होगा टीवी पर, कि एक लड़की को लिटा करके तलवार से उसको काट देते हैं और फिर से उसको जोड़ देते हैं। ये सब क्या है, ये छोटे छोटे जादूगर ही कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से विश्वनाथ ठाकुर बहुत सुंदर कथा के माध्यम से समझाते हैं कि भगवान यहाँ पर आने की लीला करते हैं, जन्म लीला, और जाने की लीला करते हैं। उसको समझाते हुए विश्वनाथ ठाकुर क्या बता रहे हैं, एक साम्राज्य का राजा बहुत ही ज्यादा, राजा को जो रंजन प्रदान करता है वह राजा होता है। वह मनोरंजन के लिए बहुत बड़े बड़े आयोजन कराता था, बहुत बड़े स्टेडियम के अंदर उसने बहुत बड़े कुछ कोटि के जादूगर को बुलाया, और जादूगर वहां पर अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ आया, और उसने वहां पर सुंदर सुंदर खेल दिखाया, 3 दिवस का पूरा जादू दिखाया। कभी कुछ सिखाता है, कभी कुछ गायब कर देता है, कभी कुछ बड़ा बड़ा जो है यहाँ पर वन बना देता है, पुष्पों के सुंदर गुलदस्ता बना देता है, कभी किसी को लुप्त कर देता है, कभी किसी को प्रकट कर देता है। ऐसे करते करते समस्त प्रजा का वो मनोरंजन कर रहा था। अंत में राजा ने बड़े प्रसन्न होकर के रानी से कहा कि कितना सुंदर इसने जादू दिखाया है, इसको कुछ पुरस्कार को देना चाहिए।
रानी ने नौ लखा हार उतार करके वह जादूगर को प्रदान कर दिया। अब वो हार जादूगर ने क्या किया, अपनी पत्नी को पहना दिया, उसको दिया। बच्चों ने देखा, एक बच्चे ने मां से जिद करके उस हार को लिया, दूसरे बच्चे ने उससे झगड़ने का प्रयास किया कि मुझे दे, इस प्रकार से झगड़ा हो गया। और जादूगर के पास अनेकों अनेक शस्त्र भी थे, तलवारें भी थी। दोनों बच्चों में युद्ध हो गया, दोनों ने एक तलवार निकाली और एक दूसरे को घोंप दी, मार दिया। ये देखकर के रानी बड़ी दुखी हुई, राजा बड़ा दुखी हुआ। कभी देखते देखते जादूगर की पत्नी ने भी देखा, जो हमारे बच्चे नहीं है, एक तलवार निकाल कर अपने पेट में घोंप ली कि मैं जी की क्या करूंगी। ये देख के जादूगर रोने लगा और कहा, हाय मेरे बच्चे चले गए, हाय मेरी पत्नी चले गई, मैं जी की क्या करूंगा। उससे भी तलवार निकाल कर अपने घोंप ली। अब तो जो 3 दिवस से जो यहाँ प्रोग्राम चल रहा था, इतना हर्ष उल्लास के साथ, इतना आनंद प्रदान कर रहा था, वह पूरा दुख में परिणत हो गया। सब बड़े दुखी हुए। इतना उच्च कोटि का जादूगर, इतना सुंदर सुंदर करतब दिखा रहा था, और ये तो अब मर गया, और अकेला नहीं मरा, पूरा का पूरा परिवार मर गया। अब तो राजा दुखी होकर के कहने लगा, हम क्या करें, ये तो विधाता की मर्जी थी, अब चलो इनका अंतिम संस्कार किए देते हैं। सबने मिलकर उसका अंतिम संस्कार किया, चारों की चिता जलाई गई, और एक महाबाद राजा उस घटना को भूल जाता है। और उस राजा के पास एक पत्र आता है, और पत्र खोल करके जब राजा देखता है, वह उसी जादूगर का पत्र है। उसमें लिखता है, हे महाराज, आपको हमारा अंतिम खेल कैसा लगा? जो हमने अंतिम खेल खिलाया उसका पुरस्कार तो आपने दिया ही नहीं, आप हमें पुरस्कार देने के लिए आइए, हम अमुक ग्राम में रहते हैं, मेरे दोनों बालक जीवित है, मेरी पत्नी जीवित है, और सर मैं भी जीवित हूँ। ये देखते कि बड़े आश्चर्यचकित हुए राजा, और राजा और रानी को स्वयं बड़ा अचंभा हुआ। प्रजा को जब बताया, प्रजा भी कहने लग गई कि हमने अपने हाथों से अंतिम संस्कार किया, हमने अपनी आंखों से देखा कि सब मरे थे, ये कैसे हो सकता है। सबके सब उस गाँव में गए तो देखा, हंसता खेलता परिवार वहां जीवित था। तो एक साधारण जादूगर जब ऐसा करतब दिखा सकता है, तो भगवान यहाँ आने की और जाने की लीला नहीं कर सकते। वो भगवान है, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती, इसीलिए उसको सनातन कहा गया। और हम तो सौभाग्यशाली हैं, उस सनातन भगवान के जो धर्म को मानता है वो सनातन धर्म ही कहलाता है। इसलिए हमारा धर्म अत्यंत उच्च कोटि का है, लेकिन विडंबना ये है कि हम इन शास्त्रों की ओर देखते नहीं। विडंबना ये है कि हम हरिनाम करते हैं, एक बार सब बोलेंगे, हरे कृष्णा होता है। ऐसी एक छोटी सी लीला हम श्रवण करेंगे। भगवान अभी छोटे ही हैं, अभी घुटनों के बल चलते हैं। राम और कृष्ण, राम बलराम जी को कहते हैं, और कृष्ण भगवान बाल कृष्ण, दोनों घुटनों के बल चल रहे हैं। दोनों का सुंदर मैया यशोदा और मैया रोहिणी ने श्रृंगार किया है, सुंदर काजल लगाया है, सुंदर मोर पंख दिया है, सुंदर जूड़ा बांधा है, सुंदर हार बनाया है, हाथों में कंकण है और पैरों में पाजेब लगाई है, और यहाँ गर्दनी है। और दोनों जो है जब घुटनों के बल चलते हैं तो छुन छुन की आवाज आती है, और जिससे पता चल जाता है कि दोनों बालक यहीं कहीं खेल रहे हैं। इस प्रकार से खेलते खेलते एक बार वह आंगन पार करके जाने लगे, बाहर दरवाजे के पास जो दहलीज होती है उसको पार करने की चेष्टा की, तो पार नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी बहुत छोटे हैं। छोटे होने के कारण पार करने का प्रयास कर रहे हैं तो भगवान श्री कृष्ण आगे हैं, बाल कृष्ण आगे हैं और बलराम जी पीछे हैं। दोनों चलते चलते आगे जो दहलीज है उस पर चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से, जैसे साधारण बालक जैसे चेष्टा करता है
भगवान श्री कृष्ण भी इस प्रकार से चेष्टा कर रहे हैं उस जलीस पर चढ़ने की, और उस पर चढ़ करके वो पेट के बल जैसे ही आगे की तरफ जाने का प्रयास करते हैं तो जा नहीं पाते, लटक जाते हैं। आपने देखा होगा पहले जो दहलीज थोड़ी ऊंची बनाई जाती थी, तो उसको लटक जाते हैं, ना आगे जा पा रहे हैं ना पीछे आ पा रहे हैं। आगे बल लगाते हैं मैं आगे चला जाऊं तो भी नहीं जा पा रहे, और पीछे हटने का प्रयास करते हैं तो पीछे नहीं आ पाते। बलराम जी को इशारा कर रहे हैं, बोलना नहीं आता दोनों तो भाइयों को, पर इशारा कर रहे हैं, अरे थोड़ा सा बल दो, थोड़ा मुझे बचाओ। तो बलराम जी सहारा दे रहे कि आगे निकल जाओ नहीं तो पीछे आ जाओ। बड़ी सुंदर मनोहर लीला है। इस लीला को देखने के लिए नारद जी आकाश मार्ग से आकर के वहां पर उपस्थित हुए और मन मन मुस्कुरा रहे। भगवान की जैसी दृष्टि नारद जी पर पड़ी, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे नारद जी क्या हंस रहे हो, हमारी रक्षा करो, देखो हम फंस गए, फंसे हुए। तो भगवान की यह सुंदर लीला देख करके नारद जी ने जब उत्तर दिया, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भाई मेरी रक्षा करो। तो नारद जी कह रहे हैं, हे प्रभु ये मनोहर लीला देखने के लिए मैं आया हूं, मैं दर्शक हूं, इस लीला के अंदर जो क्रीड़ा आप कर रहे हैं उसमें मैं आ नहीं सकता, कृपा करके मुझे क्षमा कीजिए। तो नारद जी आप कुछ नहीं कर सकते तो रहने दीजिए। फिर बलराम जी को इशारा किया, बलराम जी ने जोर का धक्का दिया तो भगवान श्री कृष्ण दहलीज को पार करके उधर आराम से गिरे, जैसे बच्चा साधारण गिरता है। तो साधारण लीला जो दिखने लगती है ये साधारण नहीं है, वास्तविकता में वो परमेश्वर समस्त बल के जो अधिष्ठात्र वो ऐसी लीला कर रहे हैं। कारण ब्रज के अंदर वह भूल जाते हैं कि मैं ईश्वर हूं, योग माया को बुला देती है कि तुम ईश्वर हो। अगर वो ये याद रखेंगे मैं ईश्वर हूं, और वहां सबको अगर ये पता चल जाएगा कि ये ईश्वर है तो ब्रजवासी कभी भी उनके साथ खेल नहीं सकते। मैया यशोदा उनको डांट नहीं सकती, नंद बाबा उनको आदेश नहीं दे सकते जाओ मेरी जुत्ती लेकर आओ। और जब आदेश होता है भगवान श्री कृष्ण ठुमक ठुमक के चलते हैं, नन्हे से कृष्ण जूती को सिर पर धारण करते हैं और ठुमक ठुमक कर जूतियां नहीं संभल रही। जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं उनसे नंद बाबा की जूती नहीं संभलती, और उसको बड़े मुश्किल से कभी गिरते हैं कभी लुढ़कते हैं, उनको लेकर के बाबा को देते हैं, बाबा लीजिए आपकी जूती। तो यहाँ पर जो आनंद घन भगवान श्री कृष्णचंद्र है उनकी जो सुंदर सुंदर मनोहर लीलाएं हैं उनका आस्वादन ब्रजवासी करते हैं। ब्रजवासी सखा क्या कहते हैं कि तेरे पास, तेरे बाबा के पास 9 लाख गैया हैं, मेरे बाबा के पास 11 लाख गैया हैं, तू काहे का मुझसे बड़ा है, जैसे हम रहते हैं वैसे रहना पड़ेगा। और कुश्ती में कृष्ण को पछाड़ के गिरा भी देते हैं। तो देखो ब्रज की जो लीलाएं हैं सुंदर सुंदर उसको आस्वादन करना चाहिए, और भगवान को हमेशा अपने हृदय में बिठाने के लिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा सब कुछ दिव्य है। इस दिव्यता को हृदय में धारण करना चाहिए और अपने हमेशा मस्तक में इसको धारण करते हुए नाम करना चाहिए। इन सब शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। वंचा वृत्तम सुकृत्वा संदर्भ जो भागवत कथा हम श्रवण कर रहे हैं, ये भागवत का जो सार है वो ठाकुर जी का नाम है, भगवान का नाम ही इसका सार है। इसलिए कृष्णा कहते हैं जो व्यक्ति भगवान का नाम को ग्रहण कर लेता है, बोले ठाकुर जी का नाम को कौन जप कर सकता है। कहते जनेई पूर्व सत जन्म वासुदेव समर जनम तन्मुखे हरि नामानि सदा तिष्ठति भारत। बोले अर्जुन वही व्यक्ति मेरे नाम को ले सकता है जिसने पूर्व पूर्व जन्म में 100 जन्म तक जिसने ठाकुर जी की अर्चना पूजा की है वही व्यक्ति ही मेरे नाम को जप कर सकता है। इसलिए हम तो भारतीय है, आप लोग भी देखिएगा
भले ही जीवन में जो कुछ करते करे, लेकिन जब अंतिम समय आता है, जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ देता है, अब देखे होंगे जब चार व्यक्ति कंधे पर ले जाते हैं, उस समय क्या बोलते बोलते ले जाते हैं, सुने कि नहीं, क्या बोलते बोलते ले जाते हैं, यही बोलते हैं ना, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोल गत्य है, सब कोई बात छूटा है, यही बोलते हैं। मतलब क्या, जीवन में जितने भगवान का नाम हमने लिया है केवल वही सत्य है और जगत में सबके सब झूठा है। इसलिए भागवत का जो सार है ठाकुर का नाम, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु, आप लोग नाम सुने चैतन्य महाप्रभु का, देखो अंदर में देखो राधा कृष्ण, इसी साइड में जो खड़े हैं श्री, ये चैतन्य महाप्रभु, ये स्वयं राधा कृष्ण दोनों मिल करके ये कलयुग में महाप्रभु कृष्ण ही जगत में अपना भक्ति और प्रचार करने के लिए कलयुग में राधा जी की भाव अंग कांति लेकर के चैतन्य महाप्रभु का रूप में आए और सर्वत्र ये हरि भक्ति उन्होंने प्रचार किया। अगर ये चैतन्य महाप्रभु नहीं होते ना, जगत में हमें जो भगवान के नाम कीर्तन सुनने को मिलता है ये नहीं होता जगत में। इसलिए भगवान ने ही अपना नाम को प्रचार करने के लिए जगत में आए। एक दिन इनके भक्तों ने महाप्रभु को बोले, प्रभु आज हमारे घर में आपका भोजन है। लेकिन भगवान एक शिक्षा देने के लिए बोले, देखो मैं सबको घर में भोजन नहीं करता। तब भक्तों ने पूछे, प्रभु आप किसको घर में भोजन करते हो? बोले जो लखपति बनेगा। आज से 5.5 साल पहले लखपति मतलब है जिसको घर में 1,00,000 स्वर्ण मोहर हो। अभी 1,00,000 स्वर्ण मोहर किसको पास में होगा? भक्त लोग तो दुखी हो गए, बोले प्रभु हमारे घर में 100 रुपया भी नहीं। 100 रुपया मतलब जिसको घर में 100 स्वर्ण मोहर हो। बोले फिर हमारे घर में क्या भोजन नहीं करोगे? भगवान बोले, जानते हो असली लखपति कौन? बोले कौन? बोले रोजाना जो 1,00,000 ठाकुर का नाम जप करते हैं वही असली लखपति है। इसलिए मीरा कहती है, ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाओ गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखरा हूं गली गली। और जिन जिन ने यह मोती लूटे को सब माला माल हुए, और माया के जो बने पुजारी आखिरी वो कांगाल हुए। बोले असली जो लखपति है जो 1,00,000 ठाकुर जी का जो नाम जप करते हैं। अब लोग मेरे तरफ में देखो, ध्यान देकर देखो, अब लखपति कैसे बनोगे? कुछ दिन पहले टीवी में आता था, देखे होंगे, कौन बनेगा करोड़पति, अमिताभ बच्चन चला है ना, कौन बनेगा करोड़पति। लेकिन यहाँ पर ना अभी भी आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर भगवान कहते हैं कौन बनेगा लखपति। अब मेरी तरफ में देखो, अब लखपति कैसे बन सकते हो? देखो ये जो माला है इसमें 108 मोतियां हैं, हैं? देख लो, अभी हम 5-7 मिनट बैठ करके माला जप करेंगे। अब अच्छे तरह ध्यान देख रहे देखो, जैसे ये माला है, जब ये माला जप करते हैं ये अंगुल को उसमें टच नहीं कराते, नहीं लगाते, क्यों? ये गंदा अंगुल है, सबसे पहले ये निकलता है, मैं तुमको देख लूंगा। इसलिए ये अहंकार का प्रतीक है, इसलिए ये अंगुल को हम ऐसे सीधा रखते हैं, रख करके ये बीच वाला अंगुल को ऊपर में ये माला रखते हैं, माला रख करके जैसे हरे कृष्णा सब मेरे साथ में बोलो, बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे, बोल कर इसमें एक मोती सरकार है। अरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे, इसमें दो मत सरकाते हैं। देखो 1,00,000 कैसे होता है, जैसे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये 16 बार हो जाता है जब एक मोती को सरकाते हैं। इसमें 108 मोती है, जब माला जप करते करते यहाँ समाप्त हो जाए, इसको पार नहीं करते, सुमेरु राधा कृष्ण का स्वरूप, फिर ऐसे घुमा देते हैं, घुमा करके फिर दूसरे तरफ से करते हैं। अगर ऐसे 16 माला अगर किसने कर लिया तो वो हिसाब से होता है 25,000, अगर किसने 64 माला कर लिया तो हो गया 1,00,000। भगवान कहते हैं तुमने 1,00,000 माला नहीं जप की,
आज तुम्हारे नाम पर बैंक में 1,00,000 रुपया फीस बनती होगी। भगवत बनते तुमने माला नहीं किया, असली माल को तुमने इकट्ठे किया हो। इसलिए मीरा कहते हैं ना, जिनने ये मोती लूटे वो सब माला माल होंगे, और माया के जो बनी पुजारी आखिरी और कागाल होंगे। इसलिए असली जो माल था उनका नाम धन है, हाँ यही धन है। इसलिए आप बोलोगे भैया ब्याज कितने मिलेगी, अगर हमने 1,00,000 माला की तो 1,00,000 रुपया तुम्हारी बैंक में फिक्स डिपोजिट हो गई, मतलब तुमको ब्याज कितनी मिलेगी। इसलिए विदा कहती है, दीन दीन भरत सवाय पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इसलिए आज अगर 1,00,000 माला की तो कल तुमको 1,25,000 मिलेगी, 1,25,000 मिलेगी, और 4 दिन में 2,00,000 रुपए, 4 दिन में 2,00,000। और यही धन ही आपको अंतिम समय में ब्याज समेत आपको यही धन ही मिलेगी। संसार का सब धन तो ही खत्म हो जाएगी, आगे तो जाएगी नहीं, यही धन ही मिलेगी। इसलिए असली जो माल माल है ना, ठाकुर का नाम धन है। इसलिए हम लोग बैठ करके एक माला हम जप करेंगे, उसको बाद में फिर आप लोग सब प्रसाद लेकर के अपना घर में सबके सब जाना। आप लोग एक एक माला हम दे रहे हैं, लेकिन लेने के लिए नहीं, केवल जप करने के लिए यहाँ देंगे। इसको बाद में मेरे को वापस दे देना, माला दे दो। ले लो माला, वो सबका नहीं। माता जी के पास में है ना ये माला, जप करके मेरे को वापस देना, कोई लेना नहीं घर में, अगर लेना तो बाद में दे दूंगा। कल तो 3 बजे से 6 बजे होगी, लेकिन परसों जो है 8 बजे से शुरू हो जाएगी। और जो कोई भी हरिनाम लेना चाहते हैं सुबह सुबह आकर के वार्षिक से आप ले सकते हैं, और जिनका हरिनाम हो चुका हो वो यदि दीक्षा लेना चाहते हैं तो वो दीक्षा भी ले सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आप लोग सब आंख बंद कर लो, समझो वृंदावन में ठाकुर का चरण में बैठ करके ठाकुर का नाम जप कर रहे हैं। देखो इसमें जो हरे कृष्ण है, अच्छे तरह सुनो, इसमें कितने फायदा है। हरे मतलब माताएं ध्यान देकर सुनाई घर, ये ठाकुर का नाम में कितने शक्ति। देखो ये हरे मतलब होता है हमारी जीवन का जितने दुख कष्ट को जो हर ले, जीवन में जितने दुख कष्ट को जो हर ले, इसलिए वो हरि से हरे। कृष्ण मतलब होता है मन हमारी चंचल बड़ा भटकता है, मन को शांति नहीं मिलती, लेकिन जब कृष्ण नाम करे ये मन को शांति मिलती है, जितने दुख कष्ट दूर हो जाता है। इसमें जो राम का नाम है जिसको करने से जीवन में आराम मिले, जीवन में आराम मिल, अगर ये हरि का नाम लेंगे जीवन में आराम मिलेगा, दुख कष्ट दूर होगी। जिसकी मन में शांति सुख नहीं उसको जीवन में शांति और सुख मिलेगी। बड़ा ताकतवान ही भगवान का नाम है। इसलिए सबके सब मेरे साथ में बैठ करके सबके सब जप करो मेरे साथ, सबके सब देखो इधर सुना, सबके सब हरि का नाम लेना। जो हरि नाम लेगा उसको पाप तो उड़ जाएगी, लेकिन वो पाप जाकर कहाँ बैठेगा, बोले जो हरि का नाम नहीं लेगा सबका पाप उसको सर पर बैठेगा। इसलिए सबके सब हमारे साथ में हरि नाम करे, सबके सब करो मेरे साथ में, बोले हरे कृष्ण जोर जोर से, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एक बंद सकेगा, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Hare
कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे बोलो हरि नाम संकीर्तन की जय। देखो आप लोग ने एक एक माला की, लेकिन आपको आज नाम पर बैंक में 1,00,000 रुपया फिक्स डिपॉजिट होगी। मतलब क्या, अगर यहाँ पर अगर 64 लोग अगर यहाँ पर होंगे, सब लोगों ने ठाकुर का नाम किया, सबका आवाज सबके कान में गई, मतलब माला तो एक ने किया लेकिन आपको 64 माला करने का फल मिलेगी, क्योंकि सब लोगों ने हरि नाम किया और इसकी आवाज जितने दूर तक गया होगा ना, समस्त दुख और कष्ट और पाप को ये दूर कर देगा। इसलिए अब लोगों के पास में अगर किसकी इच्छा होगी, हम माला जब करना चाहते हैं, अगर कल सवेरे आप 7, 8, 9 बजे अगर कुछ आओगे, फिर आपको हम एक माला देके जब करने के लिए फिर लेकर के जब करना। अभी जो माला है ना सब वापस दे दो, कोई लेना नहीं, सब माला के सब वापस कर दो, खड़े हो जाओ जब सब माला ले, कोई लेना नहीं, पाप लगेगा, कोई छुपा करके रखना नहीं, सब दे सब दे देना। हाँ, एक भजन प्रभु जी गा रहे हैं। आप लोगों ने आज यहाँ पर बैठ करके केवल एक माला के लिए आपको आनंद आया नहीं आया, भगवान नाम की केवल एक माला के लिए आपको आनंद आया नहीं आया, अरे गुंगे बेलों की तरह मेरे जाके कुछ हाँ ना जवाब दो, आया नहीं आया, नहीं आया तो मना करो, आया तो आया। ऐसे यदि आप जीवन को हमेशा हमेशा अपने जीवन को आनंदित करना चाहते हैं, तो जिन्होंने अभी तक हरि नाम नहीं लिया है, जो उन्होंने अभी तक गुरु मंत्र नहीं लिया है, तो वो लोग आकर के महाराज जी से माला ले सकते हैं। देखिए जो माला जो है हमको अपने आप दुकान से लेकर के खरीद लाया और आकर के घर में करने लगे, ऐसे नहीं की जाती माला। माला जो है संतों से गुरु से लेकर के ही माला की जाती है, गुरु जो मंत्र देते हैं उसमें हमको जाप करना होता है। तो जिन लोगों को अपने जीवन का कल्याण करना है वो आकर के महाराज जी से और माला ले सकते हैं। हरि श्रीमान हरि राज की जय, किरण हरि की जय, ओ मेरी करुणा हरि सरकार, मेरा दो कृपा करो
अभी प्रभु जी क्या कह रहे हैं ना, भगवान के सामने एक बार भी ना चले उनको 14 लड़के मिले ना है, भगवान के सामने बिना बिना रोटियां लेना बड़े भाग्यवान लोग सामने इसलिए एक बार मेरे साथ हाथ उठा लो सबके सबके। तो द्रौपदी जब तक हाथ नहीं उठाए ना तब तक ठाकुर जी वस्त्र नहीं देखना, बच्चा जब तक हाथ नहीं उठाता है भैया गोद में नहीं लेता है। हाथ उठाने का मतलब क्या, एक बार सुनो ध्यान देकर सुनो, मेरी हिंदी समझ में आ रही है आप लोग देखो अच्छे तरह सुनो। एक समय द्रौपदी कृष्ण से प्रश्न करते, अच्छे तरह सुनो, एक समय द्रौपदी कृष्ण से प्रश्न करते बोले प्रभु जब हरी सभा में मेरी लाज जा रही थी मैंने आपको बड़े देर से पुकार रही थी, अब आने में इतने देर क्यों की। देखो भगवान कृष्ण क्या कहते हैं बोले द्रौपदी तुमने तीन से मेरे को एक बार जरूर पुकारी, बोले जब से मेरे को पकड़ करके अब बाहर आप देखेंगे जब दुशासन द्रौपदी केस को पकड़ करके भीषण कर बुला रहा था बोले तभी से मैं आपको पुकार रही थी। बोले द्रौपदी झूठ मत कह दे सही सही बता। बोले प्रभु क्या है, बोले जब दुशासन तेरे पास में गया तेरे को बुलाने के लिए चाहा तू क्या सोच रहे थे, तू ये सोच रहे थे मेरे पांच पांच पति सर्वश्रेष्ठ दांडिक अर्जुन सर्वश्रेष्ठ गदाधारी कौन भीम सर्वश्रेष्ठ भाला युद्ध में युधिष्ठिर नकुल सहदेव का बराबर कोई तलवार युद्ध में नहीं था, इतने बलवान आप महाभारत देखे होंगे। द्रौपदी सोच रहे थे मेरे पांच पांच पति मेरे क्या कर लेगा, तू सोच रही थी कि नहीं, बोले हाँ प्रभु मैं सोच रही थी। बोले द्रौपदी मैं बीच रास्ता तक आया था तेरे को बचाने के लिए लेकिन वापस गया इसलिए गया, तू सोच रही तेरे पांच पांच पति मैंने देखा जब तुम्हारी पांच पांच पति बीच में क्यों हो इसलिए मैंने वापस गया। बोले द्रौपदी मैंने तुम्हारा पास तो तेरे को बचाने के लिए आया था लेकिन दूर फिर गया। बोले क्यों, बोले जब देखा पांच पांच पति हार चुके थे सर नीचा करके बैठे हुए थे वहां पर द्रोणाचार्य भीष्म वहां पर कृपाचार्य थे सबसे सबसे तो उनको तरफ में आग 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 देख रही थी ये लोग तो कुछ ना कुछ बोलेंगे मैं कुलोबद्ध हूँ भरी सभा में मेरे को थोड़ी उलोभ में करना थोड़ी देर कुछ ना कुछ बोलेंगे सोच रहे थे कि नहीं। बोले हाँ प्रभु मैं सोच रही थी। बोले द्रौपदी जब इतने लोग तेरे को रक्षा करने वाले मैं भी बीच में आऊँ इसलिए मेरे पास में आकर गया। बोले द्रौपदी एकदम पास में आया था तभी मैंने गया। बोले क्यों प्रभु, बोले तुमने जब देखा पांडव रखा नहीं कोई दुर्बल रखा नहीं तो अपने कपड़े को ना तुम खुद पकड़ के रखे महाभारत देखते होंगे द्रौपदी अपना कपड़े को जोर करके पकड़ कर रखी थी। बोले क्यों, बोले मैं अजूनी संभवा अग्नि से प्रकट हुई हूँ मैं साधारण घर की स्त्री थोड़ी हूँ मैं अपनी लाज को खुद बचा सकती हूँ इसलिए उन्होंने कपड़े को पकड़ कर रखी थी द्रौपदी रखी थी। बोले हाँ, बोले जब तुम खुद को रक्षा कर सकती हो फिर मैं बीच में की वहां उसके द्रौपदी मैंने वापस किया। लेकिन देखो कितने ठाकुर जी कितनी अच्छी बात कहते हैं लेकिन तुमने जब देखा पांच पांच पति भी नहीं रक्षा की द्रोणाचार्य कृपाचार्य भीष्म कुछ भी नहीं बोल रहे फिर खुद को तुम रक्षा नहीं कर पा रही हो उसी समय तुमने दोनों हाथ ऊपर उठाना मतलब क्या, हे ठाकुर जी तेरे सिवाय दुनिया में मेरे और कोई नहीं इसका मतलब होता है हाथ उठाना। उसी समय ठाकुर जी स्वयं वस्त्र रूप में प्रकट हुए 10,000 हाथी का ताकत खत्म हो गया लेकिन 10,000 साड़ी खत्म नहीं हुई समझ रहे हो। हाथ उठाना मतलब क्या है कन्हैया तेरे सिवाय दुनिया में और मेरे कोई नहीं। एक बार हाथ उठो हाथ उठाओ के सब हाथ उठाओ हाथ उठाओ नहीं तो ठाकुर वस्त्र नहीं देंगे लाज मेरे क्या करेंगे इसलिए हाथ उठा करके मेरे साथ में थोड़ी सी शरीर को हिला करके नाचना देखो मैं भी नाचना। बोले हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल भागवत का प्रथम स्कंध बताया मैं नहीं भागवत कहता हूँ ये तो पेड़ क्यों हुए ना तो उसको पेड़ क्यों हुए ये भागवत कहता है उस लोग बोले द्रुमा जन्मा भाजो द्रुमा मतलब होता है वृक्ष
ध्रुव मतलब होता है वृक्ष, ये क्यों सब वृक्ष हुए? भागवत कहता है बोले भगवान इनको मानव शरीर दिए, लेकिन देखना जब शादी होता है ना, शादी पर तीन भी करके शादी में उल्टी सीधी फिल्म पिक्चर के ऊपर में नृत्य करते हैं, लेकिन जब ठाकुर का कीर्तन हुआ ना पेड़ से कर रहे, भगवान बोले तेरे को पेड़ जन्म दे दूंगा, तुम पेड़ जन्म दे रहे हो इंसान की बड़ा पाठ कर तुम लाई गई थी। ये भागवत के राम पाठ करके देखो बल्कि श्लोक ध्रुव जन्म भागो ध्रुव मतलब होता है पेड़, इसे सब पेड़ होंगे, इसलिए सब के सब क्या करो शरीर को लगता ठाकुर का कीर्तन करो जी, मैं भी ला जा सत्य होकर। हाँ तो क्या करेंगे बोले हरि बोल